आप प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हम डिफाइन करते हैं यानी तीन टाइप्स के मेथड हैं जिनकी मदद से हम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर, करते हैं तो एक तो आपके पास क्लासिकल मॉडल है उसमें जो भी आपकी लॉजिकल स्ट्रक्चर होती है आप उसको यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट को आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती यानी इन एडवांस एक्सपेरिमेंट के बगैर ही प्रोबेबिलिटीज जो है लॉजिकली निकाल सकते हैं तो वो तो आपके पास क्लासिकल मॉडल है वो आपके पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है दूसरा आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अब आपके पास कोई लॉजिकल मॉडल नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करके उसका डेटा आप जनरेट करते हैं और फिर उसकी इस तरह हिस्ट्री बनती है तो उसके जो पास डेटा होता है जो उसका हिस्ट्री का डेटा होता है आप उसको यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज को एस्टिमेट करते हैं तो ये जो आपके पास मॉडल होता है आपके पास जो सेकेंड मॉडल है आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मॉडल है जिसमें आपको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है उसके बाद जाके आप जो प्रोबेबिलिटीज निकालने के काबिल होते हैं तो कई दफ़ा रियल लाइफ में सिचुएशन इस तरह की होती है कि हमें नहीं मालूम होता कि जो भी हमारे पास सिचुएशन है आ, आ, उसमें कौन से रूल्स जो है वो मौजूद है तो पहले हमें डेटा को जनरेट करना पड़ता है तो वो तो आपके पास सेकेंड मॉडल है थर्ड मॉडल आपके पास क्या है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी तो अब बात ओकात अक्सर बल्कि जो आपके पास बिजनेस में या रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती है उसमें ये होता है कि जो आपके पास सिचुएशन होती है बिल्कुल न्यू सिचुएशन होती है उसका कोई पीछे कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होता ना आपके पास उसका कोई डेटा होता है ना आपके पास उसका कोई लॉजिकल मॉडल होता है तो अब वहां पर आपने अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस को अपने इनसाइट को और अपने एक्सपर्टीज को यूज करके आपने डिसाइड करना होता है कि क्या करना चाहिए तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा जो है रियल लाइफ में हर एक को फेस करनी पड़ती है और खासतौर तो पर बिजनेस डिसीजन में जैसे अगर आप फर्स्ट करें आप आप कोई आप जो किसी किसी आ, आप आ, जो बिजनेस कर रहे हैं आप किसी का इंटरव्यू आप दे रहे हैं आप डिफरेंट जो है आपके पास कैंडिडेट्स हैं तो अब वहां पर अब सारे कैंडिडेट्स जो हैं और उनकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन है तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से कैंडिडेट को आप चूज करें तो वहां पे फिर आप देखेंगे किसके किसके आपके फर्म को जो है फायदा पहुंचाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वहां पे आपके पास कोई मॉडल नहीं है ना वहां पे आपके पास कोई पास डेटा है अब वहां पे अपने एक्सपर्टीज को अपने नॉलेज को और अपने इंसाइट को अपने एक्सपीरियंस को यूज करेंगे तो ऐसी जो प्रोबेबिलिटीज होती है ना हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज कहते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज में हम क्या करते हैं वी यूज वी यूज एक्सपीरियंस एक्सपर्ट सर uh, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं आप प्लीज उन्हें एंटर कर लें ठीक है तो वी यूज एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज नॉलेज इन साइट ऑफ सम इंडिविजुअल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज ठीक है तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है उसके अंदर कोई सिचुएशन होती है उसमें जो कोच होता है अब उस सिचुएशन को डील करने के लिए किसी भी टाइप की सिचुएशन अपियर हो सकती है उसको डील करने के लिए वो डिसाइड करना भाई किस बैट्समैन को भेजे या किस नंबर पर भेजे तो वहां पर जो उसकी एक्सपर्टीज है उसकी जो नॉलेज है उसका जो एक्सपीरियंस है जो उसकी जो इनसाइट ऑफ द गेम है वो उसको यूज़ करता है तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और हर शख्स जो इसको अपनी डेली लाइफ में जो है वो यूज़ कर रहा होता है तो इसलिए इस प्रोबेबिलिटीज की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है क्योंकि अगर एक ही सिचुएशन दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स फेस करें तो जरूरी नहीं है कि दोनों के डिसीजन जो है वो सेम हो तो हो सकता है कि अब आप कोई सिचुएशन में कोई दूसरा फैसला करें उस सिचुएशन में कोई दूसरा इंडिविजुअल जो है अपनी एक्सपर्टीज या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरा फैसला करे ठीक है तो अब जैसे एक्सरसाइज फोर फोर इसमें आपने जो डिफरेंट सिचुएशन दी हुई है डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दी हुई है आपने इनको क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप की है कौन सा मॉडल यूज हो रहा है क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच इसमें यूज हुई है या सब्जेक्टिव अप्रोच इसमें यूज हुई है जैसे पार्ट ए है प्रोबेबिलिटी पेनल्टी शॉर्ट इन आइस हॉकी हॉकी का जो गेम है उसको जब बार बार खेला गया तो उसमें जो डेटा जनरेट हुआ उस डेटा से यह पता चला है कि पेनल्टी शॉर्ट में जो प्रोबेबिलिटी है स्कोरिंग की उसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट फोर सेवन है तो ये जो प्रोबेबिलिटी किस टाइप की है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी टाइप की है इसमें जो भी मैचेस हुए उसका जो डेटा है उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की गई है ठीक है ना

या अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव होती है तो जो बी आपके पास ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है।, टू टू मतलब है, तो है वो वन ओवर थर्टी सिक्स है तो आपको पता है कि आपके पास अगर आप एक डाई को रोल करते हैं टू डाइस को आप रोल करते हैं तो उसमें टोटल थर्टी सिक्स आउटकम होंगे और हर आउटकम इक्वली लाइकली है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन ओवर थर्टी सिक्स तो ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है तो आपने पे क्लासिकल मेथड यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है डी पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन ईयर एंडिंग इन जीरो बिल इन जीरो विल डाई ऑफिस तो अब ये भी जो प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करी है तो पास में आपने देखा कि जो भी प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट होते हैं उस साल में जिसमें एंड में जीरो आता है तो वो अपनी प्रेजिडेंटशिप के दौरान ही उनका इंतकाल हो जाता है तो ये भी जो पास का जो डेटा है उससे आपने ये जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रोबेबिलिटी है ठीक है ना और ई आपके पास दी प्रोबेबिलिटी डेट यू विल गो टू यूरोप दिस ईयर इज पॉइंट वन फोर अब आप अब इसमें आपके पास कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट पीछे नहीं है आपके पास कोई डेटा नहीं है आपके पास कोई मॉडल नहीं है आप जस्ट एक सब्जेक्टिव अप्रोच है आपके पास आप अपनी जो अपनी जो नॉलेज है जो अपनी एक्सपीरियंस है आप जस्ट अपने ओपिनियन को यूज कर रहे हैं तो ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है ठीक है तो अब आ जाए आपके पास ये नेक्स्ट चैप्टर ये लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर फाइव रैंडम वेरिएबल्स को और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अब आपके वगैरह तो होंगी ना तो अब इसमें से ज्यादातर आपके फाइनल चैप्टर में आएगा तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ हैं तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऐसे आउटकम्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकोरेस बराबर होती है जैसे अगर आप एक फेयर क्वाइंट को टॉस करते हैं इसमें हेड और टेल हो अगर ये आपके पास फेयर क्वाइनस का मतलब है कि दोनों आउटकम्स के जो चांसेस एकौल है इक्वल है इक्वली लाइकली यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है पॉइंट फाइव है इससे अगर आप एक फेयर डाइस को थ्रो करेंगे उसमें सिक्स आउटकम्स और सब इक्वली लाइकली है तो वन एपीयर हो टू एपीयर हो या सिक्स एपीयर हो तो सबकी प्रोबेबिलिटीज वन ओवर सिक्स है वन आउट ऑफ सिक्स तो इससे अगर टेन इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी वन ओवर टेन तो जनरल रूल आपके पास क्या होगा अगर आपके पास एन इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कितनी होगी कि आपके पास वन ओवर एन ठीक है तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है जो सैंपल स्पेस आपके पास होती है वो श्योर इवेंट है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है वो वन है और दूसरी जो चीज प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू वन तो समेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम जो है वो हमेशा आपके पास वन के बराबर होता है ठीक है या जो टोटल प्रोबेबिलिटी है फॉर एनी सैंपल सैंपल स्पेस स्पेस इज ऑलवेज कोई भी भी है है उसमें जितने आउटकम्स सबकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा आपके पास वो आपके पास हमेशा जो होगा वन होगा ठीक है तो अब जैसे अब आप हम अब हम रैंडम वेरिएबल को पढ़ते हैं अब हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी में क्योंकि आप जो भी हायर प्रोबेबिलिटीज के आप

तो उसका अंदर रैंडम वेरिएबल भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती है तो अब एक्चुअली इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको मैं डिफाइन करता हूँ तो अब स्टेटिस्टिक्स में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो आपके पास है एक्सपेरिमेंट जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप अपने स्टेटिस्टिक्स को सर अंजाम नहीं दे सकते तो स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई एक्टिविटी होनी चाहिए कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या होता है आप एक डाई को थ्रो करते हैं या आप एक कॉइन को टॉस करते हैं या आप कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं किसी पर्सन को चूज करते हैं सिंपल तो एक्सपेरिमेंट uh, एक तो है तो हम एक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करेंगे मैं तो अब इसमें मैं एक वेरिएबल uh, में डिफाइन करता हूँ नंबर ऑफ हेड्स x जो है मेरे आउटकम में कितने है उनको काउंट करेगा तो अब जो पॉसिबल वैल्यूज है x की वो क्या होंगी तो अगर आपके पास एच एच ये दोनों हेड आ रहे हैं तो एक्स की वैल्यू टू होगी या अगर आपके पास एक हेड अपियर हो सकता है या आपके पास कोई भी हेड अपियर नहीं हो सकता तो जो नंबर ऑफ हेड्स हैं आपके पास उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास वो क्या होगी कि देयर इज नो हेड हैड एक्स की वैल्यू जीरो या देयर इज वन हेड या देयर इज टू हेड तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो सकते हैं और कम से कम जीरो हेड तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज uh, को मैं कैलकुलेट करूँ दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स की प्रोबेबिलिटीज तो एक्स की मैंने वो पॉसिबल वैल्यूज लिखी जो एपियर हो सकती है यानी नंबर ऑफ है आपके पास जीरो, तो वो कौन से आउटकम होंगे जिसमें कोई हेड नहीं होगा जिसमें number of head होगा होगा जिसमें नंबर ऑफ वो उस वक्त जब दोनों टेल्स हो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्योंकि आपके पास चार आउटकम है और चारों इक्वली लाइकली ली है तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन ओवर फोर ठीक है ना तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी आपके पास वन ओवर फोर अगर नंबर ऑफ हेड्स आपके पास वन हो तो ऐसा कब होगा जब आपके पास एक हेड होगा तो ऐसा दो आउटकम्स की सूरत में होगा या तो आपके पास हेड और टेल अपेयर हो या आपके पास टेल और हेड अपेयर हो दोनों में नंबर ऑफ हेड्स वन है तो अब क्योंकि दो आउटकम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ हेड्स वन है तो एक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम होगी या वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर कर लेन ओवर टू आएगा या टू डिवाइडेड बाय फोर कर लें आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी टू डिवाइडेड बाय फोर यानी वन ओवर टू है और अगर नंबर ऑफ हेड्स दो हो तो ऐसा कब होगा कौन से आउटकम होंगे जिसमें नंबर ऑफ हेड्स टू होगा तो इज ओनली वन आउटकम जब दो हेड होंगे वो उसी वक्त होगा जब दोनों हेड्स एच एच तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन ओवर फोर ठीक है ना तो ये मैंने एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी उनको मैंने दिखाया फिर मैंने वो आउटकम्स लिखे जिनके लिए एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है फिर मैंने एक्स की इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी तो देखें नीचे जो मैं तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम ले लेता हूँ तो तो हमेशा होगा जो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका जो सम होगा आपके पास तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा वो आपके पास हमेशा वन आएगा तो ये जो मेरे पास टेबिल है ये टेबिल एक्स जो कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था जो कि नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहा है उसकी सारी वैल्यूज दिखा रहा है वो आउटकम्स दिखा रहे हैं जिसके लिए वो एक्स की वैल्यूज है और फिर एक्स की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं हैं तो इसको हम कहते ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन है ये के डिफरेंट वैल्यूज ऊपर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स तो अब मैं रैंडम वेरिएबल को मैं डिफाइन करता हूँ तो अब क्या डेफिनेशन क्या रैंडम वेरिएबल की एक रैंडम वेरिएबल जो है आपके पास ये एक सैंपल स्पेस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं और इट टेक्स इट्स वैल्यूज रैंडमली और ये अपनी वैल्यूज जो है वो रैंडमली लेता है जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हम दो क्वेंट्स को एक साथ टॉस करते हैं अब उसमें हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं तो हो सकता है मैं दो को टॉस करूं तो दोनों हेड आए है, तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी टू होगी हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं टॉस करूं हो सकता है दोनों टेल्स आए फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो हेड नहीं है तो इस तरह जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करूंगा तो हर दफा मैं नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करूंगा कितने तो नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यूज रैंडमली अपेयर होंगी कभी कोई हेड नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू तो तो जीरो तो तरीके से हो पहली दफा एक्सपेरिमेंट किया कोई हेड नहीं आया दूसरी दफा एक्सपेरिमेंट किया वन हेड एक्सपेरिमेंट किया तो टोटल नंबर ऑफ एक्ट फिर वन आए फिर किया टू हेड्स आए फिर कोई हेड नहीं आया फिर वन हेड आया फिर दो हेड आए फिर वन हेड आया फिर जीरो नंबर ऑफ हेडस है तो इस तरह जब हम ये एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे और हर दफा हम नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करेंगे तो एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो रैंडमली अपियर होंगी तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं रैंडम वेरिएबल क्योंकि हम पहले से बता नहीं सकते कि की एक्चुअल कौन सी वैल्यू अपियर होगी ये तो हम बता सकते हैं एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है 0 है 1 है, 2 है ये X की पॉसिबल वैल्यूज लेकिन किसी गिवन एक्सपेरिमेंट में एक्स की कौन सी एक्चुअल वैल्यू अपियर होगी वो हम नहीं बता सकते तो पहली चीज जो एक्स है इसकी वैल्यूज नंबर्स में है

तो हमेशा रखें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नंबर में होगी और रेंडम वेरिएबल आपके सैंपल स्पेस के हर आउटकम के साथ एक नंबर एसोसिएट कर देगा जैसे हमने ये रैंडम वेरिएबल जब डिफाइन किया इस सैंपल स्पेस के ऊपर जिसमें हम नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहे हैं तो इस रैंडम वेरिएबल के हर आउटकम के लिए एक वैल्यू है यानी एच एच के लिए जिसमें दो हेड है एक्स की वैल्यू टू है इस तरह एच टी के लिए इसमें एक हेड है एक्स की वैल्यू वन है इसी तरह टी एच के लिए एक्स की वैल्यू जो एसोसिएट हो गई वन हो गई टी टी के साथ एक्स की जो वैल्यू एसोसिएट हो गई तो 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 और, और ये अपनी वैल्यूज को रैंडमली है ज्यूम करता है ठीक है ना तो ये रैंडम वेरियबल का कॉन्सेप्ट है तो अगर आपके पास एक रेंडम वेरियबल है और आप एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिसमें आप उसकी सारी वैल्यूज को शो करें और साथ ही आप उसकी कॉस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को शो करें तो इस टेबल को हम कहते हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे अभी हमने ये जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया ये मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी जिसमें एक्स की वैल्यूज और उसकी प्रोबेबिलिटीज को मैंने शो किया था ठीक है तो हर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू वन ठीक है ना तो सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैन बी जीरो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू वन अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यही वो हमारा फेमिलियर एक्सपेरिमेंट है कि हम दो डाई को थ्रो करते हैं एक साथ तो हमें पता है कि इसकी ये सैम्पल स्पेसिस में थर्टी सिक्स सैम्पल पॉइंट्स है थर्टी सिक्स आउटकम्स है और हर आउटकम इक्वली लाइकली है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी वन ओवर थर्टी सिक्स है ठीक है ना तो यानी पहले डाई पेन अपेयर हो दूसरे पे वन अपेयर उसका वन वन से लेके वन सिक्स तक और सिक्स फंक्स से लेके सिक्स सिक्स तक अभी सैंपल स्पेस के ऊपर मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ याद रखें जब तक आपके पास सैंपल स्पेस नहीं होगी आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते और सैंपल स्पेस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते यानी पहले आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे आपके आउटकम जनरेट होंगे सारे आउटकम्स का सेट बना देंगे उससे सैंपल स्पेस जनरेट होगी फिर आप उस सैंपल स्पेस के ऊपर आप कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं उसके हर आउटकम के साथ आप एक नंबर जनरेट कर सकते हैं हर आउटकम के साथ आप एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं उनका sum, ये रहा है, है. तो अब देखें, जो सम है कम से कम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है जब दोनों पे वन वन अपीयर हो तो इसकी कम से कम वैल्यू हो सकती है टू और ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है जब दोनों डाई के ऊपर सिक्स सिक्स अपीयर हो ठीक है ना यानी ट्वेल्व तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कौन कौन से होंगे आपके पास या तो सम समू हो या सम थ्री हो या फोर से लेकर ट्वेल्व तक हो ये पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की तो अब मैं इस जो रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किया मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं तो अगर सम जो है वो 2 है तो ऐसा कब होगा वो कौन से आउटकम होंगे जिनमें सम टू होगा वो एक ही आउटकम है वन वन तो इसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन ओवर थर्टी सिक्स ये इसकी प्रोबेबिलिटी है इस अगर सम आपके पास 3 हो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू थ्री हो एक्स क्या है सम ऑफ द नंबर्स तो अगर सम थ्री है तो ऐसा कब होगा जब या तो वन टू एपियर हो या टू वन एपियर हो इन दोनों में सम थ्री है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी टू ओवर थर्टी सिक्स इस तरह अगर सम फोर हो तो ऐसा कब होगा जब आपके आउटकम्स वन थ्री हो टू टू हो या थ्री वन हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी थ्री ओवर थर्टी इस तरह सम फाइव है तो उसके ये आउटकम है फोर तो ये फोर ओवर थर्टी सिक्स सम सिक्स है तो ये फाइव आउटकम्स है जिनमें इसकी प्रोबेबिलिटी ये फाइव ओवर थर्टी सिक्स सम सेवन है तो इसमें ये आपके पास छह आउटकम है इसकी प्रोबेबिलिटी है सेवन ओवर थर्टी सिक्स सम तो अब आउटकम्स ये ट दो आहिस्ता कम हो रहे हैं इसमें सिमेट्री है ये फाइव आउटकम्स है जिनमें प्रोबेबिलिटी फाइव ओवर थर्टी सिक्स है तो इससे तो ही आउटकम इसमें है six, six, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ओवर थर्टी सिक्स मैं तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम लू तो ये हमेशा वन आएगा इन सबको ऐड करेंगे तो डेट इज इक्वल टू वन तो ये मेरे रेंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है तो याद रखें अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ए रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यूज तो रैंडम वेरिएबल को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं और उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो कॉरिस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूं ठीक है तो याद रखें एक रैंडम वेरिएबल अलग चीज है और उसकी वैल्यूज अलग चीज है जैसे एक्स जो है कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है और जो स्मॉल एक्स है ये इसकी वैल्यूज है तो याद रखें कैपिटल एक्स इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है स्मॉल एक्स इसकी वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू इट्स वैल्यू तो ये याद रखिएगा अगर कैपिटल वाय है वो रैंडम वेरिएबल होगा स्मॉल वाय उसकी वैल्यूज होंगे ठीक है ना तो ये एक टेक्निकल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि हम रैंडम वेरिएबल को अलग सिंबल से डिनोट करते हैं कैपिटल सिंबल से और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्मॉल सिंबल से तो इसलिए ऊपर जब मैंने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया है तो उस कैपिटल एक्स से डिफाइन किया है ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है कि ये क्या है ये सम ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप है और ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज है जो मैंने कैपिटल एक्स से डिनोट नहीं करी स्मॉल एक्स से तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है सम से लेकर ट्वेल्थ तक हो सकता है उसको मैंने स्मॉल एक्स से डिनोट किया तो यार यहाँ कैपिटल एक्स इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एक्स एक्स कैपिटल जो है वो रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल एक्स उसकी वैल्यूज है अच्छा हम एक ही sample space एक ही सैंपल स्पेस के ऊपर जो से ज्यादा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं तो वी कैन डिफाइन डिफरेंट रैंडम वेरिएबल और सेम सैंपल स्पेस जैसे फॉर एक्साम्पल हम टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर है दो कॉइंस को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं ये इसकी सैंपल स्पेस है इसमें फोर आउटकम्स है अब इसके ऊपर मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन हूँ ये रैंडम वेरिएबल आपके पास है रैंडम वेरिएबल क्या है

माइनस कर दें इसमें कितनी टेल्स है इसमें कोई टेल नहीं है टू माइनस जीरो तो इसका सम आएगा टू ये जो वैल्यू आएगी वाई की आएगी टू अगर जैसे मैं एच टी है मैं इसके लिए वाई की वैल्यू निकालता हूं तो एच टी में सम ऑफ हेड्स कितने heads है एक ही हेड है और सम ऑफ टेल्स इसमें एक ही टेल है आपके पास तो वन माइनस वन ये आपके पास क्या आ जाएगा जीरो ठीक है ना इस तरह अगर टी टी के निकाले टीटी -टी इसमें सम ऑफ हेड कितने हेड है इसमें कोई हेड नहीं है जीरो माइनस सम ऑफ टेल्स इतनी टेल से टू तो जीरो माइनस टू तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस टू वाई की तो वाई की हर वैल्यू और उसकी अगर मैं लिखू तो वाई की वैल्यू माइनस टू कब होगी जब टी टी आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन ओवर फोर वाई की वैल्यू जीरो कब जब एच टी आए या टी एच आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन ओवर टू

तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल है जो मैंने सेट ऑफ ऑल पीपल के ऊपर इस सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइन किया है इसमें जो सैंपल स्पेस है वो इज दी सेट ऑफ ऑल पीपल और जो पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की वो क्या हो सकती है अब पे वैल्यूज पॉसिबल है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है किसी की हाइट फाइव पॉइंट थ्री फीट है किसी की हाइट फाइव पॉइंट एट फीट है किसी की हाइट सिक्स पॉइंट वन फीट है किसी की हाइट पॉइंट थ्री फीट है एक्सेट्रा तो एक्स कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज हमें पता है एक्स के इन्फिनट वैल्यूज है लेकिन एक्स की जो वैल्यूज है, तो है।, है लोगों की जो हाइट होगी वो इस इंटरवेल में होगी रेंज तो में एक गिवन इंटरवेल में तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ना इसकी मैं सारी वैल्यूज नहीं लिख सकता इसकी इन्फिनिट वैल्यूज है हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि किस इंटरवेल में किस रेंज में इसकी वैल्यूज हो सकती है ठीक है ना तो ये जो हाइट आपके पास है ये किस

तो अब जनरली हाइट की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है 5.3, 5.8 तो हाइट की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है इन्फिनेट तो हम हाइट की सारी वैल्यूज नहीं ले सकते तो तो ये जो रैंडम है इट कैन टेक एनी वैल्यू ए गिवन रेंज इसकी जो वैल्यूज किसी भी गिवन रेंज में हो सकती है यानी ये गिवन रेंज हम ले सकते हैं बिटवीन टू फिट एंड नाइन फिट इस हाइट की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है तो वो इस रेंज में होगी तो हम एक इंटरवल बता सकते हैं जिसके अंदर रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यू जो है वो लेगा तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ना आपके पास इसमें एक्स कैन टेक एनी वैल्यू इसकी जो वैल्यूज है आपके पास वो डेसिमल में भी हो सकते हैं कोई भी वैल्यू हो सकती है विद इन गिवन रेंज तो ये आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इस तरह दो टाइप्स के आपके पास रैंडम वेरिएबल अब टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं तो जो रैंडम वेरिएबल है आपके पास दो टाइप्स के हैं एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और एक आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है आपके पास दे कैन दे ओनली टेक डेफिनेट वैल्यूज ये सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज रख सकते हैं इनकी डेफिनेट वैल्यूज ही पॉसिबल है तो जैसे आपके पास जो काउंटिंग डेटा है आपके पास जिसमें आप काउंट करते हैं तो उसकी सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है इट टेक्स इट्स वैल्यूज इन जम्पस जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ हेड्स वन टू कॉइंस आर टॉस अगर आप दो कॉइंस को टॉस करें और उसमें आपका रैंडम वेरिएबल हो नंबर ऑफ हेड्स आप नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ हेड्स या तो जीरो होंगे या वन होंगे या टू होंगे तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो या जीरो और वन के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी वैल्यूज डिस्क्रीट होंगी या आप सम सम ऑफ ऑफ नंबर्स नंबर्स टू आर नंबर अगर आप दो डाइस को रोल करते हैं तो उसके टॉप पर जो दो नंबर हो रहे हैं आप उनका सम लेते हैं तो उसका सम भी जो होगा डिस्क्रीट हो गया तो सम टू होगा या थ्री होगा या ज्यादा से ज्यादा ट्वेल्व होगा तो ऐसे जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज ले सकते हैं जिनकी वैल्यूज जंप में होती है उनको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं तो जैसे नंबर ऑफ हेड है आपके पास सम yeah, है तो ये ऐसा आपके पास रैंडम वेरिएबल होता है जो काउंट करता है जो किसी चीज को काउंट करता है जैसे नंबर ऑफ को काउंट करते हैं दूसरी तरफ आपके पास जो दूसरा रैंडम रैंडम वेरिएबल 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 है 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 वो है। तो ये एक ऐसा जो काउंट नहीं करता है, ये किसी चीज को मेजर करता है और इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज तो इसके अंदर सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है जैसे हाइट ऑफ ए पर्सन है अब किसी भी जो पर्सन की जो हाइट है इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज तो ये हाइट जो है ऐसा नहीं है कि जम्स में हो कि हाइट थ्री फाइव फीट है उसके बाद फाइव पॉइंट भी हो सकती है फोर, भी हो सकती है एक जो आपके पास इंटरवेल होता है इंटरवेल में कितनी वैल्यूज होती है इन्फिनिट जैसे टू से लेकर सिक्स तक इंटरवल है कितनी वैल्यूज है इन्फिनिट वैल्यूज है तो ऐसे जो रैंडम वैल्यूबल्स है जैसे हाइट है आपके पास जो किसी चीज को मेजर करते हैं वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं जैसे आप हाइट को मेजर करते हैं काउंट नहीं करते वेट ऑफ परसन है अगर आप लोगों के वेट्स ये आपका रैंडम वेरिएबल है कि लोगों के वेट्स लें तो तो वो किलोग्राम में तो तो लोगों के वेट्स भी चेंज होते हैं इट कैन टेक एनी वैल्यू गिवन रेंज तो ये रैंडम वेरिएबल है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऐसे रैंडम वेरिएबल होते हैं जो काउंट करते हैं जिनकी वैल्यूज सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज हो सकते हैं जो जम्स में अपनी वैल्यूज लेते हैं जबकि जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स रैंडम वेरिएबल्स है जो किसी चीज को मेजर करते हैं दे कैन टेक एनी वैल्यू विद इन गिवन रेंज देखी तो जैसे दो टाइप्स के रैंडम वेरियबल कौन कौन से डिस्क्रिट और कंटिन्यूसम किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लियर है बात क्लियर अच्छा, अब जैसे मैं, मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ फर्स्ट करें आपके पास एक्सरसाइज है हर साल कितनेटोमोबाइल एक्सीडेंट्स होते हैं तो पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये चीज रेंडम है या नहीं है हर साल कराची में जो एक्सीडेंट है ये रेंडम वेरियबल होगा या नहीं होगा रेंडम वेरियबल होगा

तो एन जो है नंबर ऑफ एक्स कि कोई भी आ, है मत में कितने एक्स देगी तो यह भी एक रैंडम वेरिएबल है हम नहीं बता सकते इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन गिवन रेंज इट कैन जीरो होंगी तो हम नंबर ऑफ एक्स जो है इसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एन पी है ये नंबर ऑफ बिल्डिंग परमिट इशूड ईच मंथ इन ए सर्टेन सिटी

कोई भी पर्सन है उसके सर पर कितने बाल है तो साहब यहां पे भी बालों को आप काउंट कर रहे हैं तो ये भी आपके पास क्या हो सकते हैं तो इसके जो एस्टिमेट है को, कोई भी शख्स मेल फीमेल उसके सर पे इससे ज्यादा बाल नहीं हो सकते वन फिफ्टी थाउजेंड मैग्जिम वैल्यू है तो अब आ जाए अब उसके बाद जो है आपके पास अब आते हैं ये तो रैंडम वेरिएबल समझ गए आप और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल्स हैं आपके पास डिस्क्रीट और आपके पास फिर कंटीन्यूअस है सर जी सर ये ये क्वालिटेटिव डेटा है फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट करें किसी को नहीं सर, पता तो सर उ, उस उस सिनेरियो में क्या किस तरह पता चलेगा कोई भी आपके पास भले से क्वालिटेटिव डेटा हो रैंडम वेरिएबल अगर आप रैंडम वेरिएबल जैसे किसी के सर के ऊपर बाल 150000 होते हैं नहीं नहीं 150 किसी भी किसी भी शख्स के सर पे ज्यादा से ज्यादा 150 150000 हेयर्स होते हैं इससे ज्यादा नहीं होती है तो मैंने एक आपको एक फैक्ट बताया क्योंकि आप इसमें मतलब एक ज्यादा से ज्यादा सर का जो एरिया है वो कितना हो सकता है और दो आपके पास जो

डिस्कस किया गया लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करूंगा तो आप पहले आ जाए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ना तो जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम टेबल की मदद से बता सकते हैं इसको हम फंक्शन बनाकर बता सकते हैं तो दो तरीकों से बता सकते हैं तो बैकग्राउंड में आवाज बंद करें तो अब आचार्य आप टेबल की मदद से अगर आप एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहें जैसे हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट करें ये आपके पास एक एग्जांपल आप एक बोलिए जाओ दूध दूध होता दूजे ये बैकग्राउंड में आवाज बंद करो कौन है ये हेलो जाओ जाओ ठीक है तो अब فرض करा एक कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो इसके आउटकम्स किस तरह होंगे कि पहले कॉइन पर हेड हो दूसरे पर हेड हो तीसरे पर हेड हो इस तरह के आउटकम है एच 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 टी लास्ट में टी 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 यानी तीनों टेल्स हो तो टोटल एट आउटकम्स है ठीक है ना तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है ये इसकी सैंपल स्पेस है इसमें एट आउटकम है इक्वली लाई थी हर एक प्रोबेबिलिटी वन ओवर है अब इसमें मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एक्स एक्स क्या काउंट करता तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है स्मॉल एक्स क्या हो सकती है अगर आप तीन क्वेंस को टॉस करें तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि कोई हेड अपियर ना हो जीरो और ज्यादा से ज्यादा तीनों हेड तीनोंडियर हो तो थ्री तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू से जीरो वन टू थ्री तो अब टेबल की मदद से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूं एक्स की पॉसिबल वैल्यू से जीरो वन टू थ्री और ये वो आउटकम से जिन आ, के साथ एक्स की वैल्यू अटैच होगी यानी एक्स की वैल्यू जीरो नंबर ऑफ हेड जीरो कब हो गए जब तीनों टेल हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन ओवर एट टोटल एट आउटकम से क्लासिकल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इसमें एक आउटकम है और टोटल एट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन ओवर एट हो जाएगी अगर नंबर ऑफ हेड्स आपके पास वन हो तो वो कौन कौन से आउटकम है, है, तो आउट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ओवर एट है और नंबर ऑफ हेड्स थ्री है तो एक ही आउटकम है तमाम प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा वन होगा तो ये इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना दिया ठीक है मैं इसको टेबल

ठीक है ना तो ये फंक्शन मैंने किस तरह बनाया ये एफ एक्स की वैल्यू वैल्यून ओवर एट है जब एक्स जीरो प्रोबेबिलिटी थ्री ओवर एट है तो उसको आप इस तरह एक फंक्शन बना के भी लिख सकते हैं तो दो तरीकों से आप किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं एक तरीका तो एक आप टेबल बना दे एक तरीका ये है कि आप उसका कोई फंक्शन लिख दें ठीक है ना तो ये दोनों तरीके मैंने इसमें आपको लिखकर दिखा दें तो जब हम किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज बताने के लिए कोई फंक्शन लिखते हैं तो उस फंक्शन को हम एक नाम देते हैं तो ये जो fx है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये x की प्रोबेबिलिटी के बराबर है तो इसको हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसलिए इसको नाम दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्योंकि x की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बताएगा इसको जो है मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहता हूं इसको मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहता हूं तो ये इसके डिफरेंट नेम है

तो जो पीडीएफ है ये किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बताता है ठीक है ना उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी पहली प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी तो ये ये है है कि सिंपली जो एफ एक्स ना ये किसी भी रैंडम वेरिएबल की किसी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है ये इसकी डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है कि जो एफ एक्स है जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू अगर एक्स है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एफ एक्स के बराबर है और क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये हमेशा पॉजिटिव होगा जीरो हो सकता है जब प्रोबेबिलिटी जीरो तो इट विल नेवर बी नेगेटिव इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो इसकी तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम आपको पता है वन होता है तो सम ऑफ समल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू वन तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में या पीडीएफ में पाई जाती हैं पहली प्रॉपर्टी ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है दूसरी प्रॉपर्टी क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है तो इट इज नेवर नेगेटिव

अब रैंडम वेरिएबल है अब हम बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो रैंडमली चेंज होगी तो इन दी लॉन्ग रन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन सी वैल्यू उसकी होनी चाहिए तो लॉन्ग रन में उसकी कौन सी वैल्यू हम एक्सपेक्ट करेंगे जो उसकी मेन वैल्यू है तो उसके मेन वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं ठीक है ना जैसे अगर मैं एक क्वाइन को टॉस करता हूं तो मुझे पता है कि हेड और टेल अपन होने के जो चांसेज है वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है तो हो सकता है कि आप दस दफा क्वॉइन को टॉस करें तो जरूरी नहीं है कि उसमें फाइव हेड आए और फाइव टेल आए लेकिन आप जितनी ज्यादा दफा टॉसिंग करेंगे ना तो जो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है यानी 50 है और 50 हेड आए आए और टेल तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी जो आपको लॉन्ग टर्म में अचीव होगी यानी जो उसकी जो मेन वैल्यू है तो किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो मेन वैल्यू होती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉन्ग रन में अचीव करेगा उसको हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं तो सिंपली रैंडम वेरिएबल की मेन वैल्यू है यह एवरेज वैल्यू है तो अब जैसे x तो आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है और एफ एक्स जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यानी इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है ये बताएगा कि एक्स की जो वैल्यू है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू वन तो इसकी जो मीन वैल्यू है ना ये इसकी नोटेशन है म्यू या म्यू एक्स ये बताने के लिए कि रैंडम वेरिएबल एक्स है तो म्यू एक्स या म्यू से हम मीन वैल्यू ऑफ

तो ये आपके मीन का है। मीन का करते हैं? जब डिफरेंट हो डिफरेंट वैल्यूज का है, उसके लिए वेट क्या होगा उसके लिए जो वेट होगा आपके पास वो उसकी प्रोबेबिलिटीज होंगी तो जिस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसका वेट ज्यादा होगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी तो हम रैंडम वेरिएबल को वेट करते हैं बाय इट्स प्रोबेबिलिटीज एफेक्ट्स तो ये अगर मैं वेटेड मीन का फॉर्मला यूज करूं एक रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू निकालने के लिए तो W की जगह इसकी प्रोबेबिलिटीज यूज करूंगा मैं तो इस फॉर्मले में अगर आप वेट की जगह प्रोबेबिलिटीज को सब्सिट्यूट करें ये ये मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है डब्ल्यू की जगह एफेक्स रखा या प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स रखा नीचे डब्ल्यू की जगह एफेक्स रखा और हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू वन तो ये वन से डिवाइड हो जाएगा तो इस पास किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज को निकालने का फॉर्मुला आ गया यानी अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसकी मीन वैल्यू निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यूज को उसकी प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके आप सम कर देंगे तो आपको उसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू मिल जाएगी अगर आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो वहां पर आप सम की जगह आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे बस ये फर्क होगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में वी यूज सम जो इंटीग्रल होता है वो भी एक टाइप का सम होता है जो कि समेशन होता है तो अगर आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आप एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो ये आपके पास जो है मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू है फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो डिस्क्रीट के लिए मैं समेशन यूज करूंगा तो अब मैं एग्जाम्पल करवा देता हूं उससे आप समझ जाओगे अब जैसे फॉर एक्जाम्पल टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर ये सैम्पल स्पेस है इसमें ये रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया है नंबर ऑफ हेड्स तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो जीरो वन टू है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो पहले भी मैं बना चुका हूं कि अगर आप एक्स दो अगर नंबर ऑफ एट जीरो है तो एक आउटकम है जीरो जीरो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एफ एक्स दिखे या पी एक्स दिखे एक ही बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या एफ एक्स या पी एक् वन ओवर फोर है तो एक कॉलम बना ले जिसमें हम एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो को वन ओवर फोर से मल्टीप्लाई किया जीरो आ गया फिर अगर नंबर ऑफ एट वन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन ओवर टू है तो वन को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये one over two आ गया फिर नंबर ऑफ है इसके one over two है तो एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये one आ गया आपके पास इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू है ठीक है तो आप टेबल से बना के हमने कैलकुलेट कर लिया तो इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थ्री ओवर टू यानी वन पॉइंट फाइव ठीक है

जिसमें वेट आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ योर रैंडम वेरिएबल तो नीचे जो है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो है इज ऑलवेज इक्वल टू वन है तो इसके मैंने वन रखा है ठीक है तो अब जैसे अब एक और एग्जाम्पल ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक वेरियबल रैंडम वेरिएबल एक्स हैज दी डेंसिटी फंक्शन ये इसका डेंसिटी फंक्शन है जिससे हम इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं एफ एक्स जो है वो बराबर है टू इन टू एक्स प्लस टू ओवर फाइव अगर एक्स बिटवीन जीरो एंड वन हो अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन हो तो फिर ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है और एस फेयर इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है ठीक है ना तो अब हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी है तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो अब ये जो पूरा इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसको अब आप खुद ब्रेक कर लें जो गिवन फंक्शन है उसके हिसाब से तो जैसे ये जीरो से वन तक तो ये फंक्शन डिफाइन है तो जीरो से वन तक ये फंक्शन डिफाइन है और एल्सफेयर में या यानी माइनस से जीरो तक आपका फंक्शन जीरो होगा और वन से लेके इन्फिनिटी तक भी आपका फंक्शन जीरो होगा ये एल्सफेयर है तो आपका ये जो पूरा इंटीग्रल है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसको आप तोड़ देंगे तीन इंटीग्रल में एक माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ये हो गया माइनस इंफिनिटी से जीरो तक प्लस एक जीरो से वन तक ये जीरो से वन तक तोड़ लिया और एक वन से इंफिनिटी तक वन से इंफिनिटी तक तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक है इसमें क्योंकि फंक्शन तो तो ये इंटीग्रल तो खत्म हो जाएगा। और ये जो वन से इंफिनिटी तक है इसमें भी आपका एफ एक्स जीरो तो जस्ट हमने अपने जो इंटीग्रल लेना होगा उसमें हम एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम जीरो रेंज के अंदर एक्स डिफाइन है जीरो से वन तक तो एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट कर लें, जीरो से वन तक तो ये इंटीग्रेशन तो 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 में पावर रूल किसा लगाते हैं एक पावर के उससे डिवाइड कर देते हैं तो मैंने एक्स इंटीग्रेट कर दिया इसका इंटीग्रेट एक्स क्यूब ओवर थ्री लिमिट सब्सिट्यूट करूंगा जीरो कैलकुलेट कर ली तो ये इसकी आ गए, ठीक है? तो अब इसी तरह आ आपके पास, अब जो है, अब की प्रॉपर्टीज है अगर फर्स्ट करें आपके पास फाइव 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 हो कोई कॉन्स्टेंट हो तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी या लॉन्ग टर्म में अगर बार बार फाइव एपियर हो रहा है तो इन लॉन्ग रन भी फाइव एपियर होगा तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी

तो अब इसमें जो आपको एक्स की रेंज दी हुई ना वो जीरो से वन तक है एल तो ये, ये 0 है तो ये जो इंटीग्रल आपके पास होगा ना ये जीरो से वन तक होगा ठीक है तो ये जस्ट जीरो से वन तक आप इस आ, x को fx से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट कर ले जीरो से वन तक अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करके आप इंटीग्रेशन कर ले इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी ये बेसिक रूल है इंटीग्रेशन के तो एक्स तो से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो जाएगा एक्से एक्स से मल्टीप्लाई होगा टू अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर हो, हो गया x 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता? एक पावर बढ़ा के उससे डिवाइड कर देते और एक्स का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्सिट्यूट कर दी वन से जीरो तक यानी पहले अपर लिमिट रखें एक्स की जगह वन क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट जीरो क्यूब फिर बाकी सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई ठीक है ना तो जो भी आपके पास कंटिन्यूस एंडम वेरिएबल है आप एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे जो भी गिवन रेंज है उसके दरमियान ठीक है यहाँ पे डिस्क्रीट के लिए आप समेशन करते हैं और कंटिन्यूस के लिए आप जो है इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो अगर आपके पास अब मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि कोई भी आपके पास अगर कॉन्स्टेंट है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट के ही बराबर है तो अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट एंडम वेरिएबल है तो आपको मालूम है कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है आप एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके आप उसका सम लेते हैं अब यहाँ पे एक्स की जगह आपके पास क्या है कॉन्स्टेंट है सी तो मैं एक्सपेक्टेशन ले रहा हूँ सी की तो एक्स की जगह जो है वो सी है तो एक्स की जगह मैंने सी रख दिया अब सी कॉन्स्टेंट इसको आप समीशन से बाहर निकाल सकते हैं उसको मैंने समीशन से बाहर निकाल लिया तो ये समीशन ऑफ एफेक्ट है ये क्या है तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम और तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है वन होता है तो उसकी जगह वन रख दिया तो सी इंटू वन आ गया तो इस तरह ये साबित हो गया कि एक किस्टेंट uh, की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट के बराबर है

तो ये जो इंटीग्रल है एफ एक्स का फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इक्वल टू वन इसकी जगह वन आ गया तो इस तरह जो एक रैंडम वेरिएबल है है उसकी जो है पास, उसकी जो जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट के ही बराबर होगी तो ये पहला पहली प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट किसी रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है सी एक्स और आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे आप इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे

तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसके लिए मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको कि एक्स तो आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है तो उसकी एवरेज वैल्यू या उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू किस तरह निकालते हैं हम एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम जो है समिशन कर लेते हैं तो अब यहां पे एक्स की जगह जो है वो सी एक्स है तो अब सी एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह मैंने सी एक्स पुट किया तो सी कॉन्स्टेंट ये समेशन से बाहर आ जाएगा और ये जो बाकी चीज बच रही है समेशन एफ एफ एक्स 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 ये जस्ट क्या है ये value of x है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ठीक है ना तो जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ सेवन एक्स जो होगा आपके पास दैट इज इक्वल टू सेवन टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के ये तीसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है आपके पास रैंडम वेरिएबल्स का ए एक्स प्लस बी वाई और आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले एक्सपेक्टेशन जो है वो इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर यहां पे ये यह वाला रूल लगेगा कि जो कॉन्स्टेंट ए है ये बाहर बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे लेंगे पे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई विल बी इक्वल टू ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई तो इसका मतलब है ई e जो है आपके पास लीनियर है ये लीनियर फंक्शन है तो ई e जो होता है वो लीनियर फंक्शन होता है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो लीनियर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लीनियर फंक्शन पे ठीक है तो ये इसकी जो है तीसरी प्रॉपर्टी यानी मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट करें आपके पास ये हो कि आप एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हो टू एक्स माइनस थ्री की ठीक है ना ये दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई है ये उसका एक कॉम्बिनेशन है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो किस तरह निकालेंगे ये बराबर होगी पहले आप एक्सपेक्टेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप दोनों को बने एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री वाई ये जो कॉन्स्टेंट मल्टीपल इसमें बाहर आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री वाई होगी थ्री टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ठीक है ना तो इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टीज यूज करके हम एक्सपेक्टेशन जो है वो निकाल सकते हैं अच्छा अब अगर आपके पास कोई रैंडम वेरियबल एक्स उसका कोई फंक्शन हो तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर आप किस तरह निकालेंगे यानी आपके पास जैसे एच एक्स जो है या आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स का कोई फंक्शन है जैसे एच एक्स जो थ्री एक्स माइनस नाइन है इसमें कोई रैंडम वेरिएबल है अब इसके साथ आप कोई अल्जब्रिक ऑपरेशन करके एक नया फंक्शन बनाते हैं तो ये जो आपके पास एच uh, एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे तो सिंपली इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आप जैसे आप एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो आप एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटीज से तो अगर x की जगह कोई भी आपके पास x का फंक्शन होगा एच एक्स तो आप सिंपली उस एच एक्स को जो है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप सम ले, ले लेंगे ठीक है और डिस्क्रीट में सम लेंगे कंटिन्यूस में आप इंटीग्रेट करेंगे अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको समझा तो आप इसमें समझ जाएंगे अब जिसकी एक्साम्पल है यह आपको खुद जो है डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक रैंडम वेरिएबल की दी हुई है एक्स की वैल्यू जीरो हैिटी एफ एक्स दीवी है तो अगर एक्स की वैल्यू वन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट थ्री सेवन है एक्स की वैल्यू टू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट वन सिक्स है एक्स की वैल्यू थ्री है तो सब प्रोबेबिलिटीज दी हुई है और आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में क्या यह पीडीएफ है तो प्रोबेबिलिटीज में क्या होता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू वन अगर ये प्रोबेबिलिटीज का सम वन नहीं है तो फिर ये आपके पास जो टेबल होगा या गलत होगा तो अगर आप इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को एड कर लेने पॉइंट फोर वन प्लस पॉइंट थ्री सेवन प्लस पॉइंट वन सिक्स प्लस पॉइंट जीरो फाइव 0.01 तो इनका सम जो होगा आपके पास 1 आएगा तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास जो होगी हमेशा होगी कि जो आपके पास समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज है मस्ट बी इक्वल टू 1 ठीक है ना तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ना इट मस्ट बी ट्रू ठीक है ना तो ये समेशन ऑफ fx ऑलवेज इक्वल टू 1 तो ये आप हमेशा चेक कर लिया करें तो ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है आपको इस रैंडम वेरिएबल की अब मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है ऑफ थ्री एक्स माइनस सेवन ये इस रैंडम वेरिएबल का मैंने एक फंक्शन बनाया थ्री एक्स माइनस सेवन इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो अब किस तरह निकालें मैं दो मैथड्स आपको करवा रहा हूँ एक तो आप डेफिनेशन यूज कर लें तो डेफिनेशन आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्या है कि जो जिस चीज की भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं आप उसको क्या करते हैं आप उसको प्रोबेबलिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं और आप उसका सम ले लेते हैं तो एक तरीका तो ये कि आप इस तरह निकाल लें तो अब ये x मुझे गिवन थी ये गिवन है। नीचे देखें बनाना थ्री एक्स माइनस सेवन का टेबल तो एक आपने थ्री एक्स माइनस सेवन का कॉलम बना दिया तो उसमें वैल्यू रखी जीरो इंटू जीरो माइनस सेवन तो थ्री एक्स माइनस सेवन आ गया माइनस सेवन फिर एक्स की वैल्यू आपने रखी वन थ्री इंटू वन माइनस सेवन थ्री माइनस सेवन थ्री एक्स माइनस सेवन की वैल्यू आ गई माइनस फोर फिर एक्स की वैल्यू इसमें रखी टू थ्री टू सिक्स माइनस सेवन तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन फिर एक्स की वैल्यू आपने इसमें रखी थ्री 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 जो नाइन माइनस सेवन तो थ्री एक्स माइनस सेवन की वैल्यू आ गई टू फिर आपने इसमें एक्स की जगह फोर रखा थ्री फोर जर ट्व माइनस सेवन फाइव तो ये थ्री एक्स माइनस सेवन का कॉलम है इसमें मैंने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली फिर आपने क्या करना है ये जो थ्री एक्स माइनस सेवन का कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करना आपने प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज एफ एक्स है फिर आप इसका सम ले लेंगे तो ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी तो अब ये एफ एक्स जिसमें प्रोबेबिलिटीज है इसको मैंने इस 3x -7 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट फोर वन को मल्टीप्लाई किया माइनस सेवन से तो ये वैल्यू आ गई माइनस टू पॉइंट एट सेवन इस तरह पॉइंट जीरो वन को मल्टीप्लाई कर दिया फाइव से ये वैल्यूज आ गई और नीचे इन तमाम का मैंने ये सम कैलकुलेट कर लिया माइनस फोर पॉइंट थ्री सिक्स तो ये जो है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई तो इस तरीके से मुझे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई माइनस फोर पॉइंट है कि आप टेबल बना लें और आप उस टेबल की मदद से जो जो है है ये कैलकुलेशन वो आप कर लें एक दूसरा मेथड भी है कि मैं टेबल नहीं बनाऊं मैं जो है प्रॉपर्टीज यूज करूं ठीक है ना मैं प्रॉपर्टीज यूज करके भी निकाल सकता हूं दूसरे मैथड से भी आप कर सकते हैं दूसरे मैथड में अगर आप थ्री एक्स की एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं तो अगर आप एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज करें तो आप एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सेवन अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री एक्स में थ्री को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री एक्स क्या होगी थ्री टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कॉन्स्टेंट के ही बराबर होती है तो सेवन की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेवन के ही बराबर है तो अब यहाँ पे जस्ट मुझे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करने की जरूरत है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूं तो इसके लिए आप एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके आप सम कर लेंगे तो ये आपको एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी तो इसके लिए मैंने ये मैंने टेबल बना दिया हुआ है तो मैंने एक कॉलम बनाया एक्स एफ एक्स का मैंने एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो आ गया फिर वन को पॉइंट थ्री सेवन से किया पॉइंट थ्री सेवन टू को पॉइंट वन सिक्स से किया तो ये एक्स एफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है और नीचे ये इनका सम ले लिया तो ये आपके पास क्या गया? आ गया समिशन एक्स एफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गई तो इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और बाकी ये मैंने कैलकुलेशन कर ली तो आप इस तरीके से भी जो है, expectation जो है है ये एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं तो दो मेथड है आपके पास कि आप प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं और आप उसको डायरेक्ट डेफिनेशन की मदद से भी जो है वो निकाल सकते हैं ठीक है ना तो अब जैसे आपके पास फर्ज करेंगे ये फोर पॉइंट सेवन है आपके पास क्वेश्चन uh, के बाय इन्वेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर स्टॉक

और अगर लॉस है आपके पास वन थाउजेंड डॉलर का लॉस को मैं माइनस में डिनोट करूंगा क्योंकि प्लस का मतलब प्रॉफिट है गेन है और माइनस का मतलब लॉस है तो अगर लॉस वन थाउजेंड डॉलर का ठीक है, तो इसकी आपके पास है ना तो अब बोल रहे हैं कि वट इज दी पर्सन एक्सपेक्टेड गेन तो पर्सन का एक्सपेक्टेड गेन यानी एवरेज गेन क्या होगा उसका मेन गेन आपके पास क्या होगा वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ऑन दी एवरेज उसको कितना फायदा होगा तो एक्सपेक्टेड गेन निकालने के लिए जो रैंडम वेरिएबल है प्रॉफिट में इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता हूं तो इसका फार्मूला आपके पास क्या है कि आप एक्स की वैल्यू को प्रोबेबिटी से मल्टीप्लाई करके आप सम कर समेत तो अब यहाँ पे जैसे पहले एक्स की वैल्यू है फोर थाउजेंड इसको मैंने मल्टीप्लाई करा इसकी प्रोबेबिलिटी से जो के है आपके पास पॉइंट थ्री फिर एक्स की वैल्यू माइनस वन थाउजेंड इसको मैंने मल्टीप्लाई करा इसकी प्रोबेबिलिटी से यानी सेन थाउजेंड जो के आपके पास है पॉइंट सेवन तो 4000 को 0.3 से मल्टीप्लाई करा x को एफ एक्स प्लस 1000 को सॉल्व कर लिया तो एक्सपेक्टेड है, है? तो से जो एवरेज प्रॉफिट है वो जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया समझ में अच्छा, इसी तरह अब जैसे आपके पास अब ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम करते हैं दि डेंसिटी फंक्शन ऑफ कोडेड मेजरमेंट ऑफ फिटिंग इज

अब फाइनली इसमें इंटीग्रेशन की बेसिक इंटीग्रेशन की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए तो यहाँ पे जो है कौन सी टेक्निक जो है मैंने यहाँ पे जो है यूज करी है ये आपके पास ये फार्मूला इंटीग्रेशन का ये आपके पास फार्मूला अगर, अगर आपके पास अगर आपके पास अगर आपके पास कोई फंक्शन है आपके पास रेशियो है एक फंक्शन की उसके डेरिवेटिव के साथ नीचे आपके पास डिनोमीटर में फंक्शन है और ऊपर आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है ठीक है ना एफ प्राइम का मतलब क्या एफ का डेरिवेटिव ठीक है ना तो अगर आपके पास ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे आपके पास फंक्शन हो तो फिर उसका जो इंटीग्रल आपके पास होता है वो सिंपली किसके बराबर होता है एल एन एफ एक्स एल एन एफ एक्स ये मैंने फॉर्मूला यूज किया अब जैसे देखें नीचे आपके पास एफ एक्स है वन प्लस एक्स स्क्स की जगह और ऊपर इसका डायरेटिव एफ डैश एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टू और पाई को पाई ले लिया जी क्या बोल रहे और क्योंकि इसमें मेरे पास जो वन प्लस क्या होगा टू एक्स होगा ना तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए तो मैंने को को यानी तोड़ लिया टू इंटू टू जो टू और पाइये तो कॉन्स्टेंट इसको तो बाहर लिख दिया बाकी जो टू एक्स है वो मैंने जो है ऊपर फ्रैक्शन में लिख दिया क्योंकि ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेटिव है तो ये एफ एक्स है ये इसका डायरेटिव है तो जब आपको आ, एफ प्राइम एक्स एफ का और नीचे हो हो उसको इंटीग्रेट करना तो ये इंटीग्रल किसके बराबर होता एल एन टू हो गया माइनस एल एन वन एल एन वन जीरो होता है तो बाकी फिर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई ठीक है तो इसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स आपको इंटीग्रेशन की जो है वो पता होनी चाहिए अब इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसे ये मैंने आपको दिए जैसे आपके पास एक कंटिन्यूस एंडम वेरिएबल है ये अब इसमें जब आप इंटीग्रेट करोगे ना जीरो से वन तक करोगे एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट निकालना एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ठीक है अब इसी तरह जैसे अब जैसे ये आपके पास है ये डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का इसमें ये एक से ज्यादा फार्मूले दिए हुए पीस वाइज फंक्शन है आपके पास तो अब इसमें आपने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर दैट फैमिली रन देयर वैक्यूम क्लीनर है ये मालूम करना है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने निकालनी है इसमें एक्स रैंडम वेरिएबल क्या है फैमिली वैक्यूम क्लीनर ओवर पीरियड ऑफ ईयर तो इसमें जो डेंसिटी फंक्शन है जो रैंडम वेरिएबल एक्स है टोटल नंबर ऑफ आवर्स है इन यूनिट्स ऑफ हंड्रेड आवर्स दैट ए फैमिली रन ए वैक्यूम क्लीनर तो ये रैंडम वेरिएबल टाइम है तो इसका ये डेंसिटी फंक्शन जो है आपको दिया हुआ अब इसकी आपने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है तो कंटिन्यूस रैडम वेरिएबल के लिए आप क्या करते हैं आप एक्स को उसकी प्रोबेबिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट कर लेते हैं जनरली माइनस इनफिनटी से infinity तक तो अब देखिए यहां इंटीग्रल जो है एक तो जीरो से वन तक करेंगे किया ये ये आपने जीरो से वन तक वो फिर आप एक करेंगे वन से टू तक एक करेंगे वन से टू तक, से टू तक वो बाकी एल्सवेयर में जीरो है तो इंटीग्रेशन को आपने डिवाइड करना पड़ेगा जो गिवन वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल उसके हिसाब से तो ये जो आपका इंटीग्रल है ना कि दो इंटीग्रल का सम होगा दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा एक इंटीग्रल होगा जीरो से वन तक वो ये है तो पहले आप एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करें और जीरो से वन तक इंटीग्रेट करें प्लस फिर एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करें क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूले डिफरेंट है इसलिए हमें अलग अलग इंटीग्रल करना पड़ेगा तो आप देखें इसमें जीरो से वन तक जब एक्स बिटवीन जीरो एंड वन है तो इसके लिए एफ एक्स आपके पास क्या एक्स तो ये एफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी एक्स और जब एक्स बिटवीन वन एंड टू है एफ तो एक्स आपके पास क्या टू माइनस एक्स यहाँ पुट कर दी टू माइनस क्यूब ओवर टू और ये आपके पास हो गया टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो हम हर एक को जो है आप पावर रूट से इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे X square, इसका क्या होगा आपके पास इसका इंटीग्रल क्या होगा एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है ना और फिर आप ये जो लिमिट है या आप इसमें सब्सिट्यूट करेंगे लिमिट जो आपके पास है वन से लेकर जीरो तक ठीक है ना ये लिमिट आप सब्सिट्यूट करेंगे इसके अंदर फिर उसके बाद आगे आ जाए ये प्लस टू एक्स ये जो टू एक्स है ये आपके पास ये जो है टू एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टू एक्स इट इज इसको पर पावर लगाएंगे एक्स को पर तो जो होगा टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और फिर आप इस पर लिमिट रखेंगे इसके लिमिट फ्रॉम वन फ्रॉम टू टू वन है तो अपर लिमिट इसमें टू है लोअर लिमिट आपके पास जो है वो वन है ये इसके रियल होगी फिर उसके बाद माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे आप स्क्वायर तो इसका इंटीग्रल क्या होगा क्यूब ओवर थ्री, तो ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री और इसमें जो लिमिट है आपके पास वो टू से वन तक है टू से वन तक ठीक है ना फिर आप जो फिर आप जो है आप सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक्स क्यूब ओवर थ्री है इसमें अपर लिमिट वन रखेंगे वन ओवर थ्री माइनस जीरो तो ये आपके पास वन ओवर थ्री आ जाएगा फिर प्लस इसमें ये जो टू है और ये वाला जो टू है ये कैंसिल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर के ऊपर लिमिट रखेंगे टू से वन तक तो पहले टू स्क्वायर रखेंगे आप यानी टू का स्क्वायर फिर माइनस वन का स्क्वायर ठीक है ना ये इसमें अपर माइनस लोअर है फिर माइनस एक्स क्यूब ओवर थ्री है तो इसमें आप रखेंगे टू क्यूब ओवर थ्री टू क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फिर माइनस वन क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री तो फिर ये बाकी मैं आपको बस छोड़ा इसको फिर आप खुद कैलकुलेट करने आगे जो भी है तो ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी ठीक है ना अब जैसे ये आपके पास है लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी भी यानी अगर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन ओवर सिक्स है एक्स की वैल्यू सिक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन ओवर टू है एक्स की वैल्यू नाइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन ओवर थ्री है, तो है. तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम होना चाहिए आप चेक कर सकते हैं हो गया प्लस प्लस है ये है। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस तो अब देखिए इसको मैं किस तरह कैलकुलेट कर रहा हूं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टू एक्स प्लस वन होल स्क्स बी होल से एक्सपेंड कर दिया तो ये 4X plus 4X plus 1 है फिर मैंने इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज यूज करी तो ये बराबर है एक्सपेक्टेशन ऑफ फोर एक्स स्क्सपेक्टेशन ऑफ फोर एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वन फिर फोर को बाहर टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेशन या एवरेज वैल्यू कॉस्टेंट के बराबर होती तो 1 1 है तो वन की एक्सपेक्टेशन वन है तो अब ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है आप किस तरह निकालेंगे आप एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे डिस्क्रीट है तो सम करेंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किस तरह निकालेंगे आप एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके आप सम कर लेंगे तो अब ये जो एक्स की वैल्यूज हैं उसका मैंने स्क्वायर किया जैसे ये माइनस थ्री है इसका स्क्वायर और इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया वन ओवर सिक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसकी प्रोबेबिलिटी से प्लस का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर लिया वन ओवर थ्री से तो ये जो पूरा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना कि मैंने ये कैलकुलेट किया समिशन एक्स स्क्स एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करके उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया और मैंने सम कर लिया आप एक टेबल बना के भी कर सकते हैं जिसका पहले आपने किया था कि उसमें आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाए फिर एक्स स्क्वायर एफ एक्स का कॉलम बनाए नीचे उसका सम ले लें उस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप जो इक्वेशन के अंदर भी कर सकते हैं तो ये समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स आ गया ये ये एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री स्क्वायर

तो अब मुझे पता है कि अगर मैं एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं या एवरेज वैल्यू निकालूं या मीन वैल्यू निकालूं तो उसके लिए मैं क्या करता हूं हूँ कंटीन्यूस वेरिएबल में हम मैं एक्स को उसके पी से एफ से मल्टीप्लाई करके मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकालनी मैंने उसका जो एक फंक्शन है जी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी तो जी की एक्सपेक्टेड वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे आप जी को एफ से मल्टीप्लाई कर दें और उसको इंटीग्रेट कर दें तो जी आपको दिया हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स अपऑन थ्री और ये जो इंटीग्रल है ये जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये सिंपली जीरो से इंफिनिटी तक बचेगा यानी ये वाला जो पार्ट है एल्सवेर ये तो जीरो हो जाएगा सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जीरो से ऑनवर्ड जीरो से इंफिनिटी तक तो अब इसमें जीरो से इंफिनिटी तक ये जो इंटीग्रल है इसमें मैंने जी एक्स रखा जी एक्स आपको दिया हुआ एक्सपोरेंशियल टू एक्स अपॉन ऑन थ्री और फिर मैंने एफ एक्स तक दिया एफ एक्स आपके पास है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इनको आप मल्टीप्लाई कर ले दोनों एक्सपोनेंशियल है तो उनकी पावर एड हो जाएगी तो ये

कि पावर आ गई अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है याद है आपको एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रल क्या होता है ना इससे डिवाइड करते हैं तो माइनस वन ओवर थ्री से डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे जीरो से इंफिनिटी तो नीचे जो माइनस वन ओवर थ्री है ये तो इसको पलट लेंगे तो ये माइनस थ्री हो गया अब इसमें मैं लिमिट पुट कर रहा हूं पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह इन्फिनिटी रखा तो ये माइनस इन्फिनिटी ओवर थ्री है जो कि माइनस इन्फिनिटी है और फिर x की जगह जीरो तो माइनस जीरो ओवर थ्री है जीरो है ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है और एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो आ गया तो ये 3 1, तो ये आपके पास इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई थ्री आ गई ठीक है अपर लिमिट और लोअर लिमिट किस तरह, मतलब तरह लगा रहे वाला जो क्वेश्चन आपने करवाया तो आपने इसमेंटी तो माइनस इन्फिनिटी ओवर थ्री इन्फिनिटी को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो रहता है तो माइनस इन्फिनिटी ओवर सिंपली क्या होगा माइनस ठीक है और जब आप लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लिमिट की जगह होगा? होगा, तो और सिंपली इसमें इस ना ये जो फंक्शन है जब एक्स ग्रेटर है तो उसके लिए एफ एक्स एक्सपोनशियल माइनस एक्स तो एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसकी अपर वैल्यू क्या है जीरो से ऑनवर्ड जीरो से इन्फिनिटी अगर ये होता बिटवीन वन एंड टू तो फिर वन से टू तक करते ना तो अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो उसकी अपर वैल्यू क्या होगी जीरोस तो लोअर वैल्यू अपर वैल्यू क्या होगी अपर वैल्यू होगी इन्फिनिटी समझ आ रही बात तो इससे मैंने इसको मैंने इंटीग्रेट किया है जीरो से इन्फिनिटी तक ठीक है तो लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट जो है आपके पास वो इन्फिनिटी है अच्छा अब इस तरह आप ये

इसको प्रैक्टिस करें तो अब आज आप जो रैंडम वेरिएबल है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमने निकाल ली अब हम उसका वेरियंस किसा निकालेंगे तो साहब एक रैंडम वेरिएबल इट्स वैल्यूज रैंडमली सो इसकी वैल्यूज में वेरिएशन होता है तो जब भी वेरिएशन होगा तो फिर हम जो है वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो आमतौर पर जो स्टेटिस्टिकल टूल होते हैं वो कौन से होते हैं वेरियंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज में वेरिएशन होता है तो इसलिए उसके अंदर जो स्प्रेड मौजूद होता है तो उसके स्प्रेड को हम कैलकुलेट करते हैं बाय वेरिएंस और अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो आपके पास इसका सिंबल क्या होता है सिग्मा स्क्वायर और जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स है तो अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी जो वेरिएंस की डेफिनेशन होती है वो आपके पास ये होती है w के अंदर वेट है तो अब यहां पे रैंडम वेरिएबल के लिए वेट उसकी प्रोबेबिलिटीज है प्रोबेबिलिटीज रख दोगे w की जगह तो नीचे जो समेशन ऑफ w है समेशन ऑफ एक्स fx ये 1 आएगा तो ये जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा वेरियंस का किसी भी रैंडम वेरिएबल के वेरियंस को निकालने का ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इसको अगर आप समीशन की प्रॉपर्टीज यूज करके एक्सपेंड करोगे इसे ए माइनस भी होल स्क्वायर से खोल लें एफ से मल्टीप्लाई कर लें समीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो फाइनली ये आपके पास जो है वेरियंस का फॉर्मूला आ जाएगा तो वेरियंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल वेरियंस ऑफ एक्स वेर एक्स या सिग्मा स्क्वायर तो इसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर

नंबर ऑफ हेड्स को आप काउंट कर रहे हैं तो अब सैम्पल स्पेस के ऊपर तो अब जो पॉसिबल वैल्यूज है जीरो हो, हो, हो या वन हो या टू हो तो ये पहले भी हम कर चुके हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है, है तो मैंने एक्स की वैल्यूज और उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाई है अब क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी चाहिए तो उसके लिए मैंने एक्स और एफ एक्स का कॉलम भी बना लिया फिर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स का कॉलम में बना लिया क्योंकि मुझे मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए ठीक है तो अगर नंबर ऑफ हेड्स जीरो होंगे तो एक ही आउटकम होगा जिसमें नंबर ऑफ हेड्स जीरो नंबर ऑफ एट्स वन होंगे तो दो आउटकम है एच टी और टी एच इसकी प्रोबेबिलिटी है तो एक ही आउटकम एच एच इसकी प्रोबेबिलिटी है, है

स्क्वायर को एफ एक्स से आप मल्टीप्लाई करें उसका सम ले लें तो उससे मैंने एक कॉलम बना लिया एक्सर एफ एक्स का स्क्वायर तो लिया जीरो का स्क्वायर वन है, है फिर एफ एक्स मल्टीप्लाई किया जो वेरियंस है आपके पास ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो मैंने टेबल से निकाला फाइव ओवर टू है

स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जिसको आप सिग्मा एक्स लिख सकते हैं तो सिंपली ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट ऑफ 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 वेरिएंस वेरिएंस है एक्स सिंपली यहां पे ये आपके पास स्क्वायर रूट होगा किसका वन ओवर फोर का वन ओवर फोर जो के आपके पास आ जाएगा वन ओवर टू यानी इसका जो आपके पास पॉइंट फाइव आ जाएगा ये जो इसका आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ठीक है अच्छा आप देखें अब वेरियंस की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगे अगर वेरियंस क्या मेजर करता है स्प्रेड अगर आपके पास कोई तो no कॉन्स्टेंट कोई कोई है तो इज उसका वेरियंस जो होगा वो जीरो होगा तो वेरियंस ऑफ सी इज जीरो तो वेरियंस ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो तो इसका प्रूफ करते हैं हम जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए वेरियंस का बेसिक फॉर्मुला ये है कि कोई भी आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी वेरियंस किस तरह निकालते हैं एक्स में से म्यू माइनस करते हैं डेविएशन आती है इसका स्क्वायर लेते हैं ताकि डेविएशन पॉजिटिव हो जाए अगर आपको याद हो चैप्टर थ्री फिर इसको आप वेट जाने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम ले लेते हैं तो ये बेसिक फॉर्मूला है वेरियंस को निकालने का और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्मूले में तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करके इजीली जो है वेरियंस निकाल सकते हैं तो लेकिन जो बेसिक फॉर्मुला है वो ये है तो अब इसमें अगर मैं एक्स की जगह सी रखता हूं एक्स की जगह सी तो एक्स की जगह सी रखा जो कॉन्स्टेंट है उसके भी constant ही होती है तो भी सी माइनस सी जीरो है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वेरियंस की कि अगर कोई कॉन्स्टेंट जो है वो किसी रेंडम वेरियबल एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और आप उसका वेरियंस निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे अब इसको अगर आप फॉर्मुले से देखें आप एक्स की जगह आपने सी एक्स रखा तो उसका जो मीन है वो सी म्यू है तो इस फॉर्मुल में से सी कॉमन है सी कॉमन लेंगे ऊपर स्क्वायर है तो सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये बराबर होगा सी स्क्वायर वेरियंस एक्स तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो किसी कॉन्स्टेंट मल्टीपल का जो वेरियंस होता है वो उस कॉन्स्टेंट के स्क्वायर को वेरियंस से मल्टीप्लाई करके हासिल होता है यानी अगर आप वेरियंस में सी को बाहर निकालेंगे ना तो ये बाहर सी स्क्वायर होगा खाली सी नहीं होगा

कि एक ये एक रैंडम वेरिएबल है उसका फार्मूला आपके पास ये है इससे आप वेरिएंस निकाल लेंगे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको उसका डेविएशन मिल जाएगा तो विच इज मेजर ऑफ इट्स स्प्रेड ठीक है ना इसी तरह जैसे ये आपके पास है जिसे मैं करवा देता हूँ आपको फॉर अ लेबोरेटरी असाइनमेंट इफ द इक्विपमेंट इज वर्किंग

एक्स uh, स्क्वायर है उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं Fx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूंगा और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है उसके लिए अच्छा पहले मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाले आप इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे आप एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करेंगे तो अब इंटीग्रल जो होगा सिर्फ वो जीरो टू वन इस रेंज के लिए हमें करना पड़ेगा तो मैं जीरो से वन तक इंटीग्रेट करता हूं एक्स को मैंने एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स इसमें मैंने एफ एक्स रख दिया एफ एक्स से टू इंटू वन माइनस एक्स तो जब आप टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आप सिंपली इंटीग्रेट कर लेर तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और टू एक्सवायर का टू एक्स ओवर थ्री लिमिट मैंने फिर पुट कर दी तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको मिल गई वन ओवर थ्री फिर उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो इसके लिए मैं x square को मल्टीप्लाई करूंगा fx से तो अब x square है एक्स minus x तो और इंटीग्रेट करना फ्रॉम तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 2x क्यूब ओवर 3 स्क्वायर 2x फिर ओवर 4 इसमें लिमिट पुट करके एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर मैंने निकाल लिया तो अब जो है मैं वेरिएंस निकालता हूं तो वेरिएंस क्या आपके पास ये एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल एक्सपेक्टेशन ऑफ ऊपर मैंने निकाला 1 ओवर 6

और फिर उसकी एक्सपेक्टेड uh, वैल्यू जो है आप किस तरह निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू डिस्क्रीट के लिए सम करते हैं के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूले आपको पता होने चाहिए और uh, जब आप वेरियंस निकालेंगे तो वेरियंस का फार्मूला क्या है और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज क्या है और वेरियंस की प्रॉपर्टीज क्या है क्लियर यहां तक बात यह कुछ पूछना है जी क्लियर है हेलो यस सर तो अब आज अब हमने रेंडम वेरिएबल को पढ़ लिया है अब हम आ, कुछ सर आप इस, ब्रेक नहीं देंगे अभी ब्रेक लास्ट में दे लीजिएगा ठीक है ना तो एक ही बात हो जाएगी लास्ट में आपको ब्रेक दे दे दूंगा तो अभी दूं फिर वो देर तक क्लास चलेगी चार बजे तक या आप ऐसे करें अभी क्लास को कंटिन्यू करने में लास्ट में आपको जल्दी क्लास छोड़ दूंगा सही है ठीक है okay. तो अब हम इसमें कुछ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में काफी हैं ठीक है तो जो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं तो पहले हम एक की जो है, उसको हम स्टडी एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज है वो डेफिनेट होती है जम्पस में होती है काउंटिंग डेटा होता है आमतौर पर जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें एक बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम स्टडी करेंगे तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करता हूँ तो आपने देखना है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो बायनोवल डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझें तो इसके लिए हम एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं बर्नौली प्रोसेस एक साइंटिस्ट बर्नौली के नाम पे तो वट इज अ बर्नौली प्रोसेस तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप रिपीटेडली एंड टाइम्स परफॉर्म करते हैं यानी आप हंड्रेड टाइम्स कर सकते हैं आप एक कॉइन है उसको सौ दफा टॉस कर रहे हैं या आप एक डाई उसको आप पचास दफा थ्रो कर रहे हैं यानी एक एक्सपेरिमेंट उसको बार बार कर रहे हैं एंड टाइम्स ठीक है और ईच इंस्टेंस इज कॉल्ड ए ट्रायल तो हर दफा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना उसको आप एक ट्रायल कहेंगे जैसे अगर आपने सौ दफा टॉस किया है तो आपके हंड्रेड ट्रायल्स हैं हर हर टॉसिंग जो है वो एक ट्रायल है आपने एक डाई को पचास दफा थ्रो किया तो एक दफा जब आप थ्रो करें वो एक ट्रायल है तो ईच ट्रायल हैज ओनली टू आउटकम्स हर ट्रायल में सिर्फ दो आउटकम होंगे बाय का मतलब क्या होता है टू बायनोवेल थ्योरम भी होता है ना बाय का मतलब है टू तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको समझने के लिए हमें बर्नौली प्रोसेस को समझना पड़ेगा बर्नौली प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं तो बर्नौली प्रोसेस में हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार एन टाइम्स रिपीटेडली करते हैं और जो उसका हर इंस्टेंस होता है एक्सपेरिमेंट का उसको हम एक ट्रायल कहते हैं हर ट्रायल में सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं सक्सेस एंड फेलियर तो सक्सेस वो चीज होती है सक्सेस इज इंटरेस्टेड जिस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं वो हमारी सक्सेस है तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास क्या है चेकिंग ए पेशेंट ये आपका एक्सपेरिमेंट है आप पेशेंट को चेक हैं कोविड नाइनटीन के लिए ये आपका एक्सपेरिमेंट है और इसको आप कितनी दफा कर रहे हैं थर्टी टाइम्स तो ये

तो हमारा जो भी हमारी सैंपल स्पेस होगी उसके अंदर हम जिस चीज में इंटरेस्टेड होंगे उसको मैं सक्सेस डिफाइन कर दूंगा और उसके अलावा कोई भी जो चीज होगी वो फेलियर होगी तो सक्सेस इज समथिंग इन विच वी आर इंटरेस्टेड एंड फेलियर इज एनीथिंग अदर देन दिस सक्सेस तो सक्सेस के अलावा कोई भी जो आउटकम है वो फेलियर में काउंट होगा वो फेलियर होगा तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको मैं डिनोट करूंगा पीस से स्मॉल पीस से और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको मैं denote करूंगा small Q से। तो अब क्योंकि मेरी जो पूरी है 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 उसके अंदर सिर्फ दो ही ना और मुझे पता है कि जितने भी आउटकम्स होते हैं तमाम की प्रोबेबिलिटीज का सम वन होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी प्लस प्रोबेबिलिटी क्यू मस्ट इक्वल टू वन तो पी प्लस क्यूज इक्वल टू वन होगा तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है क्यू वो बराबर होगी वन माइनस पी यानी वन में से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी तो स्मॉल पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो मैं दोबारा बता देता हूँ बर्नॉली प्रोसेस समझा रहा हूँ क्या होता है आप एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीटेडली एंड टाइम्स करते हैं हर दफा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको हम एक ट्रायल कहते हैं हर ट्रायल में सिर्फ दो आउटकम्स है सक्सेस और फेलियर सक्सेस वो चीज है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और फेलियर इज एनीथिंग अदर देन दक्सेस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो p है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो q यानी वन माइनस पी है दोनों का सम वन है तो जो बर्नोली प्रोसेस है ना हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज तो अब इस बर्नोली प्रोसेस में ये प्रॉपर्टीज होंगी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ट्रायल्स अब अपने एक्सपेरिमेंट को दफा रिपीट कर रहे हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो एंड ट्रायल्स पर मुश्तमिल है ईच ट्रायल हैज ओनली टू आउटकम्स हर ट्रायल में सिर्फ दो आउटकम्स है सक्सेस एंड फेलियर सक्सेस वो चीज है जिसमें आप इंटरेस्टेड है

यानी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर ट्रायल यानी जितने डिफरेंट ट्रायल्स होंगे वो हर एक से इंडिपेंडेंट होंगे यानी एक ट्रायल में क्या होता है वो दूसरे ट्रायल को अफेक्ट नहीं करेगा मतलब अगर आप जो है एक डाइट अगर आप एक क्वॉइट को टॉस करते हैं पहली दफा आपने टॉस किया तो हेड आया तो क्या दूसरी दफा जब आप टॉस करेंगे तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि पहले हेड आया टेल आया नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितनी दफा भी आप टॉस करेंगे उससे पहले कुछ भी आया हो उससे इंडिपेंडेंट होगा तो तो जो 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 आपके आपके ट्रायल्स होंगे ना वो आपके पास इंडिपेंडेंट तो इस तरह ट्रायल ट्रायल टू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी हाँ अगर ट्रायल डिपेंडेंट होते तो फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती लेकिन बर्नॉली प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा तो याद रखें बर्नॉली प्रोसेस में ये चार सिंपल सी प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी कि आप एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एंड टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं हर उसको जितनी दफा भी आप परफॉर्म करें वो उसके एंड ट्रायल्स है किसी भी ट्रायल में सिर्फ दो आउटकम है सक्सेस और फेलियर सक्सेस वो चीज है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं फेलियर वो चीज है विच इज अदर देन दैन सक्सेस और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पी रिमेन सेम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल यानी ईच ट्रायल इज डिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रायल तमाम ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है एक ट्रायल में क्या होता है वो दूसरे ट्रायल को अफेक्ट नहीं करता तो इस वजह से हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कॉन्स्टेंट रहती है वो फिक्स रहती है वो सेम रहती है वो चेंज नहीं होती है

और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक्स स्मॉल पी होगी स्मॉल पी क्या है प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट हैज कोविड 19 ठीक है तो अब अगर फर्स्ट करें आप 30 पेशेंट्स को आप कोविड 19 के लिए टेस्ट करते हैं इसमें आप एक्स जो है रैंडम वेरियबल आप डिफाइन करते हैं इस ट्रायल के ऊपर इस बर्नौली प्रोसेस के ऊपर एक्स क्या है नंबर ऑफ सक्सेज एक्स आपके पास क्या है नंबर ऑफ सक्सेज आपको कितनी कामयाबियां हो रही है ये आपका रैंडम वेरिएबल है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो जो आपके पास बाइनोवेल डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो एक बर्नोली प्रोसेस के ऊपर डिफाइन की जाती है जिसमें जो रैंडम वेरिएबल होता है वो नंबर ऑफ सक्सेसिस को काउंट करता है तो यहां पे जो रैंडम वेरिएबल है आपके पास जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं वो जो है आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो है आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसिस आपको कितनी कामयाबियां हो रही है नंबर ऑफ सक्सेसिस

थर्टी तक है ठीक है ना तो ये जो बर्नॉली प्रोसेस है इस पर आप जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो क्या है नंबर ऑफ सक्सेसेस तो ये आपका जो है एक बायनोबल रैंडम वेरिएबल है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बायनोबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी अब जैसे एक एग्जाम्पल में आपको और समझा रहा हूँ फर्स्ट करें एग्जाम्पल टू है फिफ्टी कार्स आर चेक फॉर बींग हॉन्डा कार अब पचास कारों को चेक करते हैं आप इसमें इंटरेस्टेड है कि उसमें कितनी हॉन्डा कार्स है तो अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट है ना इस ये क्या है चेकिंग ए कार ये आपका एक्सपेरिमेंट है ये आपका बर्नौली प्रोसेस है इसको आप कितनी दफा परफॉर्म कर रहे हैं फिफ्टी टाइम्स हर कार जो एक ट्रायल है हर कार जो आपके पास वो एक ट्रायल है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ है तो एन की वैल्यू है अब आप किस चीज में इंटरेस्टेड है इस चीज में इंटरेस्टेड है कि वो कार हॉन्डा कार हो तो अब अपनी सक्सेस को आप किस तरह कार इज ए होंडा कार ये आपकी सक्सेस है फेलियर क्या होगी कि कार इज नॉट ए होंडा कार तो अब यहाँ पे आप जो रेंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना एक्स वो क्या है नंबर ऑफ सक्सेसेस तो आपकी सक्सेस क्या थी कि कार कार हो तो एक्स नंबर वैल्यूज क्या हो सकती है हो सकता है उसमें कोई कार आपके पास होंडा कार ना हो या हो सकता है एक कार आपके पास होंडा कार हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है तमाम तमाम कार्स होडा कार हो तो एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो जीरो से लेकर फिफ्टी तक होंगी ठीक है ना फेलियर आपकी क्या है कि कार इज नॉट होन्डा कार या किसी भी अदर ब्रांड की कार हो और पी आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी दैट ए कार इज ए हॉन्डा कार तो समझिए आप ये बर्नोली प्रोसेस क्या है और इसमें जो हम बाइनोमल रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं बायनोवेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही आउटकम है सक्सेस एंड फेलियर तो एक जो आपके पास बर्नोली प्रोसेस है उस पर हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो नंबर ऑफ सक्सेस को काउंट करता है तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ना इसको हम कहते हैं वेरिएबल इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो अब हम इस बायनोबल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ निकालते हैं पीडीएफ यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो पीडीएफ ऑफ बायोमल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मूला जिसकी मदद से हम एक्स की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं तो इसमें जो एन है आपके पास वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है कितनी दफा आप अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं पी जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है होगी आपके पास वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी इसमें एन और पी जो, गिवन होते, हैं ये हैं। और इसमें जो X है, ये एक है। हम इसकी करना चाहते हैं। तो बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं ताकि पता चले बायनोमल है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ही है लेकिन बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है समझाने के लिए बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है तो हम इसको लिखते हैं

सेमी कॉलन के बाद में ये पैरामीटर्स में बता रहा हूं कितना है आपको एक्स है और ये वन माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स है तो क्योंकि ये फॉर्मुला बायनोमल फार्मूले से मिलता जुलता है इसलिए इसको हम बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं तो ये n कॉम्बिनेशन x जो है आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं तो इस फॉर्मुले को यूज करके

तो फेलियर कितनी होगी एन माइनस एक्स तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर जो है वो है 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 और failure की probability की power जो है number of failure है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं इसको तो इसमें मैंने एन रखा फाइव ट्रायल थे और एक्स है नंबर ऑफ सक्सेस टू तो फाइव कंबिनेशन टू p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जो कि 0.75 है तो ये 0.75 रखा ऊपर x रखा x जो है नंबर ऑफ सक्सेस ये टू है तो पॉइंट सेवन फाइव स्क्न माइनस पॉइंट हो जाएगा, तो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लिया तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई पॉइंट जीरो एट सेवन एट नाइन तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नेक्स्ट फाइव थे उसके अंदर जो एक्जेक्टली टू थे वो इस वजह से की गई है कि वो ड्रग खरीदने के लिए की गई है अच्छा अब बी में है आप इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करें फाइंडिटी मतलब से, मतलब 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 तो से कम हो या तीन के बराबर हो तो अब इसके अंदर यह जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास आएंगी x की एक्स की वैल्यू इसमें वन हो तो ये प्रोबेबिलिटी इसमें शामिल होगी प्लस अगर एक्स की वैल्यू आपके पास टू हो एट मोस्ट थ्री का मतलब या तो वन हो टू हो या थ्री हो ज्यादा से ज्यादा थ्री का मतलब है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस या तो वन हो या टू हो या आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो आपके पास थ्री हो तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली अब ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना हर प्रोबेबिलिटी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं यानी अगर एक्स इज इक्वल टू वन है तो ये जो आपके पास फार्मूला है सिंपली इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज जो है वो चेंज करनी होगी बाकी वैल्यूज है एक्स जी। जीरो, जीरो हो, तो हो जी? है। है की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी जीरो भी है। तो X की जीरो वन, चार वैल्यूज हैं तो अब हर प्रोबेबिलिटी जो है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं का है। सिर्फ X की गया। इस में आपके पास आएगा जीरो फिर ये वन माइनस पॉइंट सेवन फाइव फाइव माइनस एक्स एक्स की जगह ये आपके पास आएगा जीरो ठीक है ना तो ये एक्स की जगह जो है आपके पास यहाँ पे आएगा फाइव माइनस टू फाइव माइनस जीरो फिर इसी तरीके से जो है आपके पास ये इसी तरीके से ये फॉर्मूला चार बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है ना ये पी एक्स जीरो के लिए फिर उसके बाद प्लस अगर एक्स वन है तो बाकी एन पी तो सेम रहेंगे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ सक्सेस वन हो तो फिर यहां पे x की जगह आप जो है वन पुट करके इसको सॉल्व कर लोगे फाइव माइनस वन ठीक है ना फिर अगर x की वैल्यू टू है नंबर ऑफ सक्सेज टू है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो इस में फिर आप x की जगह टू रख दोगे और फिर अगर नंबर ऑफ सक्सेज आपके पास थ्री है तो इस सामने में जैसा आप x की जगह थ्री रख दोगे ठीक है ना तो ये जो आपके पास ये जब x की वैल्यू सिर्फ आपको चेंज करनी पड़ेगी थ्री और ये वन माइनस ये फाइव माइनस एक्स तो एक्स की जगह थ्री

टेबल uh, मैं आपको दिखाता हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है आपके पास तो ये टेबल नजर आ रहा है आपको ये टेबल नजर आ रहा है यस yes, सर तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का टेबल है तो फॉर ए गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एन पी एन आपको गिवन होगा नंबर ऑफ ट्रायल दिएगा आपको लेफ्ट कॉलम में

इसका फोर ट्रायल करेंगे नंबर ऑफ सक्सेस जीरो से लेकर फोर तक हो सकती है और ये ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है अगर प्रोबेबिलिटीस पॉइंट जीरो वन है या प्रोबेबिलिटीस पॉइंट जीरो टू है तो ये टेबल से जो है आप ये प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर यह अभी मैंने ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाली थी इसमें देखें आपके पास पी क्या था पी था आपके पास पॉइंट सेवन फाइव और इसमें एन क्या था एन आपके पास था फाइव तो आप टेबल में जाए टेबल जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल फाइव हो नंबर ऑफ ट्रायल फाइव ये आ गया और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास क्या हो 0.75 तो इस टेबल में 0.75 प्रोबेबिलिटी जो है आप उसको तलाश करें पॉइंट uh, uh, 0.75 तो इस टेबल में देखें 0.75 मिल रहा है आपको या उसके क्लोज वैल्यू देख लें ये नीचे भी दी हुई आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.99 0.96 0.87 0.82 तो इसमें 0.75 uh, नहीं है आपके पास तो मैं एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो इस टेबल में हो ताकि आपको समझाने में आसानी हो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेट्स से पॉइंट है फर्स्ट करें ये आ, आ, जो है आपके पास ये आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है प्रोबेबिलिटी दैट तो आपका दैटम वेरिएबल है उस नंबर ऑफ सक्सेस थ्री हो ठीक है ना और उसमें आपके पास यानी एक्स जो है आपके पास वो थ्री है और पैरामीटर जो है लेट्स से वो आपके पास फाइव So, प्रोबेबिलिटी जो है टेबल से निकालने है. तो जो है आपके पास वो है और जो सक्सेस आपके पास की वो पॉइंट वन है तो अगर ऑफ प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी तो आप इस टेबल में जाएंगे एन आप देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स थ्री और जो पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन जीरो का कॉलम है ये, ये नजर आ रहा है ना पॉइंट वन जीरो का कॉलम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और एन आपके पास क्या था थ्री तो अब थ्री वाले केस में आए अब इसमें नंबर ऑफ सक्सेस एक्स आपको कितनी चाहिए थ्री चाहिए ठीक है कि नंबर ऑफ सक्सेस जो आपके पास वो 3 हो तो ये जो एन थ्री है इसमें नंबर ऑफ सक्सेस आपके पास थ्री ये है ये थ्री की वैल्यू है ये नंबर ऑफ सक्सेस जीरो है ये टू है ये थ्री है तो ये एन थ्री वाले में कॉलम में आए तो इसमें नंबर ऑफ सक्सेस थ्री है और ये वाले कॉलम में तो देखें इनके इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी आपको क्या लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी ये लिखी हुई है कि है है तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें तीन ट्रायल्स आप करते हैं और नंबर ऑफ ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल्स है और आर जो है नंबर ऑफ सक्सेज है एक्स की वैल्यू तो है तो एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ सक्सेस थ्री है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के कॉलम तो में आए और ये जो N3 है, इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ सक्सेस इसकी रो में आए तो इसके अगेंस्ट देखें कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट वन और ये थ्री ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो तो ये हमने टेबल से जो है इसको हमने पढ़ लिया फ्रॉम uh, टेबिल तो ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास ये है जीरो पॉइंट है जीरो पॉइंट जीरो जीरो, वन जीरो. सर, टेबल से ही करने है, मतलब से भी तो कर सकते हैं ना? आप दोनों तरीके आप से भी कर सकते हैं और आप टेबल से भी सकते तो कर सकते हैं ठीक है ना तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं आप जैसे फर्स्ट करें इसके अंदर अगर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी तो आपके पास अब नंबर ऑफ सक्सेस हो तो नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइव ही है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है वो पॉइंट वन ही है तो अब इसको अगर मैं टेबल से पढ़ता हूं तो मैं नंबर ऑफ ट्रायल एन फाइव वाले कॉलम में जाता हूं ये नंबर ऑफ ट्रायल है फाइव ठीक है और इसमें

एन फाइव है और आपके पास इसमें जो एन है आपके पास वो फाइव है और जो एक्स है आपके पास वो थ्री है और जो पी है आपके पास वो पॉइंट वन जीरो है ठीक है तो आप टेबल में जाएंगे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं एन फाइव वाले ट्रायल में जाएंगे और उसके अंदर जो नंबर ऑफ सक्सेज है एक्स वो थ्री लेंगे और जो पी का कॉलम है प्रोबेबिलिटी का पॉइंट वन जीरो लेंगे ठीक है ना तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइव ये नंबर ऑफ सक्सेज थ्री ये इस रो में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो अब इस रो में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पॉइंट वन जीरो कॉलम में हम नीचे जा रहे हैं और इस रो में आ रहे तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई पॉइंट जीरो जीरो एट वन तो ये आपके पास हो गई पॉइंट जीरो जीरो करें अब नंबर ऑफ सक्सेस जो आपके पास लेट्स है वो आपके पास जो है वो टू है और नंबर ऑफ ट्राइस जो है आपके पास लेट्स है वो सेवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है लेट सेन टू ठीक है ना तो अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी दफाइल करते हैं हर दफाबिलिटी टू आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो इसके लिए जो आपके पास वैल्यूज है एन पी और एक्स uh, की इसमें एन जो है आपके पास सेवन है कितनी दफा आप ट्रायल कर रहे हैं और कितनी सक्सेस आपको चाहिए दो सक्सेस चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास क्या है पॉइंट वन टू तो अब नंबर ऑफ सक्सेस दो हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो उसको हम टेबल से पढ़ते हैं एन सेवन वाले कॉलम में जाएंगे 7 हो. ये है 7. आ, अच्छा, अच्छा अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ सक्सेस हो तो ये एन सेवन में इसमें नंबर ऑफ सक्सेस टू ये है आपके पास और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पी ये ऊपर देख लें पॉइंट वन टू है तो आप मुझे बताएं ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है इसके इंटरसेक्शन पे पढ़ें इस टेबल से बताएं क्या वैल्यू क्या आ रही है आपके पास वैल्यू पॉइंट वन टू इस कॉलम में और ये नंबर ऑफ सक्सेस सक्सेज एक्स टू सर जीरो वैल्यू जो है, है जीरो पॉइंट की है ये क्या है ये, है. ये की मालूम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सक्सेज टू हो अगर आप एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट सात दफा करें जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पॉइंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी पढ़ी तो तो आपके पास सिक्स तो है ठीक है ना तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं और आप जो है टेबल से भी निकाल सकते हैं जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ फर्स्ट करें ये आपके पास है अकॉर्डिंग टू ए सर्वे बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी वन हाफ ऑफ यू एस कंपनीज गिव इंप्लाइज फोर वीक्स ऑफ वेकेशन आफ्टर दे हैविन विदनी फॉर फिफ्टीन ईयर ठीक है ना तो अब इस चीज में हम इंटरेस्टेड है इसको हम डिफाइन कर देते हैं जिस चीज में इंटरेस्टेड है हमारी सक्सेस है यूएस कंपनी फोर वीक्स ऑफ वेकेशन आफ्टर दे हैवीन विदनी फॉर फिफ्टीन ईयर ये सक्सेस है तो विलआर फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दट अमंग्स कंपनीज के छंपनीज तो ये सिक्स क्या है नंबर ऑफ ट्राइल्स है

दो uh, से पांच कंपनी जो है वो uh, जो है वेकेशन देती है तो आप किस चीज में इंटरेस्टेड क्या होगा तो वो टू से फाइव तक हो एंड फ्रॉम टू, टू टू फाइव यानी एक्स जो है नंबर ऑफ सक्सेस वो फ्रॉम टू, टू टू फाइव हो टू से फाइव तक तो ये जो बायनोवेल रैंडम वेरिएबल हमें पता है इसकी

हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो नंबर ऑफ सक्सेज है वो फ्रॉम टू टू फाइव हो तो फ्रॉम टू टू फाइव का मतलब क्या है इसको मैं दो मेथड से करवा रहा हूँ पहला तो जो बाइनोमल पीडीएफ का फार्मूला है ना मैं उससे करवा रहा हूँ तो पहले फार्मूले से करते हैं फिर टेबल से करते हैं तो आप किसी एक मेथड से कर सकते हैं इट्स अप टू यू तो x जो है नंबर ऑफ सक्सेज वो फ्रॉम टू टू फाइव हो इसका मतलब क्या है कि x टू हो प्लस x थ्री हो प्लस x फोर हो प्लस x फाइव हो, हो। ये चार वैल्यूज हैं x की तो ये x की हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम ऐड कर लेंगे मतलब एक्स टू का मतलब है है कि के बाइनोमियल बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल तो ये डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त निकाले जब नंबर ऑफ सक्सेस टू है ये उस वक्त निकाले जब नंबर ऑफ सक्सेस थ्री है बी थ्री का मतलब ये बी फोर निकाले, बी फाइव निकाले तो पहले मैं इस फॉर्मले से निकालता हूँ ये तो इसके अंदर जस्ट मुझे एक्स की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है अब जैसे बी टू के लिए एक्स मैंने टू पुट कर दिया तो सिक्स कॉम्बिनेशन टू एक्स की जगह टू रखा फिर पॉइंट फाइव की पावर टू और ठीक है ना तो ये फॉर्मुला हो गया प्लस पेयर प्रोबेबिलिटी मैं नंबर ऑफ सक्सेस इज थ्री फिर जस्ट मैंने इस बाइनोबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले में फार्मुल्री पुट कर दिया फिर प्लस फिर फोर पुट कर दिया तो ये आ, ये प्रोबेबिलिटी आएगी कि एक्स इज फोर फिर प्लस फिर उसके बाद जो है मैंने फाइव पुट कर दिया फिर इनको मैंने अलग अलग ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने कैलकुलेटर से निकाल के इन्हें सॉल्व कर लिया तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई तो ये तो पहला मेथड है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला है आप उसको यूज कर लें उसका पीडीएफ यूज कर लें ये इसका पीडीएफ है ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यानी वो फंक्शन है जिससे हम एक्स की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मिला यूज कर लें ये पहला तरीका तरीका दूसरा तरिका ये कि आप टेबल यूज कर लें टेबल में आपको आसानी होगी कि आपका टाइम बच जाएगा आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी तो अब हमें यही प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो मैं टेबल में जाता हूं अब टेबल में मुझे किस आ, मुझे एन की वैल्यू क्या यूज करनी है एन जो है मेरे पास वो है सिक्स और पी जो है पॉइंट फाइव है तो अब अगर मैं टेबल में जाऊं एन है मेरे पास सिक्स और पी जो है आपके पास वो है पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव जो है इस टेबल में पॉइंट फाइव आपके पास है या नहीं है five, इस टेबल में पॉइंट फाइव नहीं है वैसे मतलब और एक्सटेंसिव टेबल होते हैं उसके अंदर और देख लेते हैं शायद यहां पे हो पी की वैल्यूज और भी दी गई पॉइंट जीरो Point, uh, point eight two. So, uh, एक तो एक मिनट तो इसमें जो है आपके पास uh, तो ये जो है आपके पास uh, बायन वो देखता हूँ पॉइंट फाइव वाली वैल्यू आपको गिवन हो कि uh. ठीक है तो ये आपके पास जैसे यह दिया हुआ एन ये नंबर ऑफ सक्सेस है थ्री और पी ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस आपको दी हुई है और ये एक्स आपको दिया हुआ है N, ये नंबर ऑफ ट्रायल है एन ये पी ऑफ सक्सेस पॉइंट वन ओ पॉइंट वन फाइव और ये एक्स इसके अंदर है नंबर ऑफ सक्सेस जीरो वन टू थ्री तो अगर तीन दफा ट्रायल करते हैं तो नंबर ऑफ सक्सेस जीरो से तीन तक हो सकती है और अगर जो है आप एन आपने जाना है सिक्स में ये एन सिक्स है इसमें आ जाए नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास सिक्स हैं और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पॉइंट फाइव है ये पॉइंट फाइव तो ये कॉलम है और एक्स आपके पास क्या है नंबर ऑफ सक्सेस तो अब हमें कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है एक आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास एक आपके पास जो है वो ये हो ये हो टू थ्री फोर फाइव एक्स टू के लिए थ्री के लिए फोर के लिए फाइव के लिए तो देखें इस टेबल में देखें आप नजर आ रहा है ना टेबल ये एन सिक्स के लिए हाँ टेबल नजर आ रहा है ना हेलो यस सर रहा है तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास सिक्स है और पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पॉइंट जीरो फाइव हो पॉइंट वन हो तो हमें जो प्रोबेबिलिटी पॉइंट फाइव फाइव में आ जाए इसके इसके अंदर अंदर ये ये मिल अब x2 x2 है तो x2 और प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई आपको आ जाए आ, प्लस फिर आ जाए x अगर थ्री है नंबर ऑफ सक्सेस थ्री है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है आपके पास वो है तो इसके अगेन जो प्रोबेबिलिटी है वो है पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स तो यानी ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्रोबेबिलिटी है. है तो नंबर एट फोर ये चारों प्रोबेबिलिटी टेबल से लेकर आप एड कर ये पॉइंट थ्री फोर फोर पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स और फिर उसके बाद आपके पास है, से पॉइंट एट नाइन वन पॉइंट एट नाइन वन और फिर नंबर ऑफ सक्सेज अगर फाइव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है पॉइंट नाइन एट फोर ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है मेरे ख्याल से ये आपके पास जो है ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है आर सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल अच्छा तो वो जो आपका टेबल था ना वो टेबल में एक्चुअली सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है हमें ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज तो इसमें जो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं आपके पास वो सिक्स है ये सिक्स है एन की वैल्यू और पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है आपको प्रोबेबिलिटीस पी है, है तो इस कॉलम में ये पॉइंट फाइव वाला कॉलम है एन सिक्स है और आर नंबर ऑफ सक्सेज आपके पास तो हैं। तो इसके जो probability टू थ्री फोर फाइव है के अगेंस्ट ये है फोर, ये फोर है आपके पास और N3 के पॉइंट फाइव में ये आपके पास है पॉइंट थ्री वन टू ये पॉइंट थ्री वन टू है आपके पास और फोर के अगेंस्ट जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है 4 के अगेंस्ट ये आपके पास ठीक है नाइंट फाइव के कॉलम में टू थ्री थ्री फाइनली अगर आ, X5 है, ऑफ सक्सेज फाइव है नंबर ऑफ सक्सेज फाइव है तो इसके अगेंस्ट ये जो आप प्रोबेबिलिटी है पॉइंट जीरो नाइन फोर पॉइंट जीरो नाइन फोर पॉइंट जीरो टेबल से निकाल के आप बैठ कर लें। तो ये दो तरीके हैं पहला तरीका क्या या तो आप फॉर्मूला और दूसरा तरीका है क्या ये वन से ज़्यादा नहीं बनेगी आई नहीं वन से ज्यादा नहीं होगी लेस देन है एड करके देख लें वो जो पहले वाली थी ना वो वन से ज्यादा बन रही थी क्योंकि वो सम थी तो समझ गए आप टेबल से किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एग्जाम में जो आपको टेबल्स अवेलेबल होंगे तो आप टेबल जो है उसको यूज करके निकाल सकते हैं और फार्मूलर से भी निकाल सकते हैं अब जैसे और इसमें एक्सरसाइज हम देखते हैं जैसे अच्छा इसमें एक पार्ट और भी था आपके पास एक पार्ट तो ये था कि जो आ, जो आपके पास एनी वेयर फ्रॉम टू टू फाइव हो अच्छा अब दूसरा पार्ट है कि जो नंबर ऑफ सक्सेस इज फीवर देन थ्री हो लेस देन थ्री हो तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमने निकालना है फीवर देन थ्री का मतलब है

ठीक है तो अब इसमें आपके पास सक्सेस क्या होगी कि जो स्मोक करते हैं उनको आ, लंग कैंसर हो यह जो है आप जो है आपके, आपके जो है वो सक्सेस है आपके पास आपके पास जो आ, चेन स्मोकर एस लंग कैंसर तो एक्स क्या होगा नंबर ऑफ या जो आप नंबर ऑफ सक्सेस

यानी x जो है वो लेस देन देव हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है तो x लेस देन फाइव हो इसका मतलब कि हो, हो वन हो टू हो थ्री हो फ हो जीरो से लेकर फोर तक हो तो ये सारी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज आप निकालने चाहे फार्मूले से निकाल या टेबल से निकाल इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है अच्छा इसी तरीके से पार्ट बी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ दिलिटी ट्वेंटी अब इसमें एन चेंज कर दिया नंबर ऑफ ट्रायल्स है ट्रायल्टी रिसेंटली एडमिटेड टू अ स्पॉट फिवर एन हाफ आर चेन स्मोकर अब इसमें एक्स लेस देन हो और पी वही आपके पास एन आपको चेंज करके दे दिया अब इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इसको आप खुद करें ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही मुझे क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे जो रैंडम वेरिएबल होगा बाइनोमल होगा 5.9 जो है ये भी आप खुद करें 5.11 पॉइंट इलेवन है दी प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम ए डेलीकेट हार्ट ऑपरेशन इज पॉइंट तो इसमें आप सक्सेस को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं पेशेंट रिकवर्स और सर्वाइव्स तो ये आपकी सक्सेस है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉइंट नाइन ये सक्सेस आपको दी हुई है और एक्स क्या होगा नंबर ऑफ सक्सेस तो वट इज द प्रोबेबिलिटी दोबेबिलिटीटली फाइव ऑफ द नेक्स्ट नेक्स्ट पेशेंट ये देश आपके पास ये एन की वैल्यू है और एक्जेक्टली exactly फाइव जो है वो ऑपरेशन को सर्वाइव करें तो जो नंबर ऑफ सक्सेज है एक्स वो फाइव है तो आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर अगले सात ऑपरेशन हो उसमें से एक्टली exactly पांच जो पेशेंट है वो सर्वाइव करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी

P, power, N X, तो, पढ़ना तो आप समझ गए किसान निकालेंगे ठीके? तो ये जो है आपके पास बायनोबल रैंडम वेरिएबल हमने पढ़ लिया इसके मीन और उसकी जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि आपकी बुक में जो है इसको स्टडी नहीं किया हुआ है तो इसका मीन और इसका जो स्टैंडर्ड एवियशन है उसको हम स्टडी नहीं करते अब यहां तक समझ गए समझ गए yes. जैसे एक और एग्जाम्पल है आपके पास अच्छा मुझे ये बताएं कि इफ वी ड्रॉ आइटम्स फ्रॉम ए लॉट विथ रिप्लेसमेंट तो देन द ड्रॉइंग वुड बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर so, आप इंडिपेंडेंटेंट लेकिन अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो फिर क्या होगा फिर जो dependent. है तो आपके जो मुख्तलिफ ट्रायल्स होंगे ना दे विल बी डिपेंडेंट तो याद रखें बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट तो अगर आपके जो आइटम्स हैं वो इस तरह ड्रॉ किए जा रहे हैं विद रिप्लेसमेंट तो फिर वहां पे आप बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्योंकि वो डिपेंडेंट होंगे फिर आप बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकते बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो ट्रायल्स होने चाहिए दे तो शुड बी इंडिपेंडेंट ठीक है ना तो अब जैसे एग्जाम्पल है दी प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज डिफेक्टिव इज पॉइंट टू तो यहां पर ट्रायल uh, आपके पास क्या है आप एक आइटम को ड्रॉ करें ये एक है. और सक्सेस आपके पास क्या है uh, एक आइटम आइटम्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट देन वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री आउट ऑफ टेन आइटम्स वुड बी डिफेक्टिव इफ यू ड्रॉ आइटम्स विद रिप्लेसमेंट यहां पे आप आइटम्स को विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ट्रायल्स आपके इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे जो है आप बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं इसमें सक्सेस क्या होगी आपके पास सक्सेस ये आइटम डिफेक्टिव हो और एक्स आपके पास क्या है नंबर ऑफ सक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस यानी एक्स नंबर ऑफ सक्सेस यानी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ये आपका बायनोमल रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स क्योंकि आप रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो ट्रायल्स uh, इंडिपेंडेंट है तो फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी वो बाइनोमेल होगी तो इसके अंदर आपको क्या क्या ट्रायल क्या क्या दिया हुआ है जो डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी है पॉइंट टू है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको गिवन है अच्छा और फिर आपसे क्या कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फ्री आउट ऑफ टेन दस आइटम है हर आइटम एक ट्रायल है तो ये एन की वैल्यू है और उसमें से तीन डिफेक्टिव है तो ये थ्री जो है नंबर ऑफ सक्सेस है एक्स तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या तो है तो सिंपली आप बाइनोबल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मला यूज कर ले, इसमें X आपको दिया हुआ थ्री एन आपको दिया हुआ टेन और प्रोबेबिलिटी पॉइंट से निकाल लें तो यहां तक गए आप ये जो बायोबल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लियर है बाइनोबल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे तो बाइनोबल डिस्ट्रीब्यूशन में आप किस रैंडम वेरिएबल में इंट्रस्टेड होता है इट कैन बी जीरो तो नंबर ऑफ जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज रखते हैं तो इसलिए डिस्क्रीट एंडम वेरिएबल है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायरबल डिस्ट्रीब्यूशन वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है ना तो अब जाए आप उसके बाद जो दूसरी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे जो डेली लाइफ में अपेयर होती वो है वो पोषण डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है ना तो पोषण डिस्ट्रीब्यूशन अब ये किन सिचुएशन में अपियर होती है अब इसको आप समझ लें अब ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास तो अब फर्स्ट कैन आप इस चीज में इंटरेस्टेड है कि कोई इवेंट जो है वो किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितनी दफा हो रहा है तो दी नंबर ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इन ए गिवन टाइम इंटरवल और दी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑकरिंग ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल या दी नंबर दी नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन ए स्पेसिफाइड रीजन तो अब इस चीज में इंटरेस्टेड है कि कोई गिवन टाइम पीरियड है आपके पास या आपके पास कोई गिवन रीजन है उसके अंदर कोई इवेंट जो है वो uh, कितनी दफा हो रहा है जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट करें आप ये मालूम करना चाहते हैं दी नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू हॉस्पिटल इन डे एक दिन में किसी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है वो डे दिया हुआ है आप इस चीज में इंटरेस्टेड है कि एक दिन में ये एक इवेंट हो रहा है इवेंट क्या है पेशेंट्स का आना ये कितनी दफा हो रहा है आप इसको काउंट करना चाहते हैं या आप ये काउंट करना चाहते हैं दी नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड बाय एन ऑफिस पर आवर यहां पे टाइम पीरियड आपको आवर दिया हुआ है

ये एक स्पेसिफाइड रीजन है एक एरिया है उसमें आप एक इवेंट को काउंट करें इवेंट क्या नंबर ऑफ कैट कैट्स कैट्स को काउंट करना चाहते हैं कि गुलशन एक बाल में कितनी काउंट्स है तो ये जो आपके पास इस टाइप के जो आपके पास इवेंट्स होते हैं ना जिसमें आप नंबर ऑफ एन इवेंट हैपनिंग और और नंबर ऑफ आउटकम्स ड्यूरिंग ए ए गिवन टाइम इन स्पेसिफाइड रीजन तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये जो रैंडम वेरिएबल होता है ना ये होता है पॉसन रैंडम वेरिएबल तो गिवन टाइम इंटरवल जो है आपका वो मे बी ऑफ एनी लेंथ

तो जो स्पेसिफाइड रीजन है आपके पास कुड बी ए लाइन सेगमेंट वो एक लाइन सेगमेंट हो सकती है एक एरिया हो सकता है एक वॉल्यूम हो सकता है और पीस पीस ऑफ ऑफ या कोई हो सकता है तो जैसे डिफरेंट हैं ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो है पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है पियर होती है क्या अगर आप ये गिनना चाहते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू ए हॉस्पिटल इन ए डे तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन होगी या दी नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव बाई एन ऑफिस पर आवर

यहाँ पे जो स्पेसिफाइड रीजन है ना एक्चुअली वो पीस ऑफ मटेरियल एक पेज है, ये आपका है तो एक के कितनी टाइपिंग काउंट तो है करते हैं कि वो किसी गिवन टाइम इंटरवल में या किसी गिवन रीजन में वो इवेंट कितनी दफा हैपन हो रहा है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पॉसर डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो इसके लिए जो हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना एक्स वो इवेंट को जो काउंट करता है एक्स क्या है इसमें जो रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे कितनी दफा हो रहा है उसको हम काउंट करेंगे तो ये रेंडम वेरियबल होगा एक्स तो क्योंकि ये काउंट कर रहा है नंबर ऑफ इवेंट को तो ये भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरियबल है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका एक आ, उसका जो एक डेफिनेट फॉर्मूला होगा तो वो जो है आपके पास पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला होगा तो उसका पीडीएफ वो क्या होगा आपके पास तो ये इसका पीडीएफ है जो पीडीएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है है ये है. इसके अंदर आपको एक आपको गिवन होगा नंबर ऑफ ये आपको गिवन होगा कि जो भी आपका इवेंट है जो उसका पास डेटा है जो हिस्ट्री है उससे हम उसके मेन नंबर ऑफ को कैलकुलेट कर चुके होंगे तो वो आपको गिवन होगा जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट किसी दिन आते हैं तो पीछे जो पेशेंट आ चुके हैं जो पास्ट में आपके हिस्ट्री का है, उससे आपने उस पे कि उसके क्या होगी या दो महीने के बाद थ्री पेशेंट आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो पैरामीटर यह गिवन होगा जो कि मीन नंबर ऑफ है जो हमने पास डेटा से कैलकुलेट किया हुआ होगा तो ये जो है पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है जो नंबर ऑफ़ उसकी निकालने का फॉर्मूला तो so, yes, uh, आप तो आपका इवेंट बिल्कुल भी है ना। जैसे करें, आप ये देखते हैं कि आपके ऑफिस में एक घंटे में कितनी कॉल्स आए हो सकता है नंबर ऑफ कॉल जीरो हो या हो सकता है नंबर ऑफ कॉल्स वन होती है एक्स की वैल्यूज है या हो सकता है नंबर ऑफ कॉल्स टू हो

इस फॉर्मूले में जो आप पुट कर दें और इसको जो है मैं टेबल से भी निकाल सकता हूं तो इसमें इसका भी टेबल होता है पॉसर डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये तो आपके पास बाय डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है

और जो लेमडा है आपके पास लेमडा अगर आपके पास जो है फर्ज करें वो इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट टू मेन नंबर आपके पास पॉइंट टू है और एक्स जो आपके पास थ्री है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप टेबल से निकालें तो अब इसमें जाए लेमडा पॉइंट है तो ये पॉइंट वाले कॉलम में आ जाए और एक्स इसमें थ्री है तो इसके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है ना पॉइंट

और उसमें सिर्फ दो आउटकम होते हैं सक्सेस एंड फेलियर सक्सेस होता है जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें ट्रायल इंडिपेंडेंट होते हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहती है इसके अंदर ये सिचुएशन नहीं है इसमें ये नहीं है कि कोई ट्रायल आप बार बार कर रहे हैं बल्कि इसमें एक टाइम पीरियड है उसके अंदर आप काउंट कर रहे हैं कि कोई चीज कितनी दफा हो रही है या आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन है उसमें आप काउंट करें कि कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है फर्स्ट में आप ये जानना चाहते हैं कि गुलशन इकबाल में नंबर ऑफ कैट्स कितनी है तो अब ये बायोन डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आप कोई ट्रायल बार बार नहीं कर रहे ये एक अलग सिचुएशन है यहाँ पर एक आप एक गिवन स्पेसिफाइड रीजन में नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट कर रहे हैं मतलब गिवन टाइम 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 पीरियड 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 है ये फॉर ए ए ए गिवन 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 इन इन या एरिया ये मैंने ऊपर एक्साम्पल समझाया कब इस्तेमाल होगा गोकी किस गोकी गोकी के अगर आप ये काउंट करना चाहते हैं कि किसी गिवन टाइम पीरियड में कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है या किसी गिवन एरिया में कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स कमिंग डे तो अब यहाँ पे एक आपको है, उसमें आप ये काउंट करें कितने इस इवेंट में आप उसकी काउंटिंग करना चाहते हैं तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन बायनोबल से कोई ताल्लुक नहीं रखती उसमें तो एक ट्रायल बार बार करते हैं ये उस तरह की नहीं है इसमें गिवन टाइम पीरियड में हम ये काउंट करना चाहते हैं कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है या जैसे नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स इन एन ऑफिस इन एन आवर एक घंटे में किसी भी घंटे में कोई भी घंटा हो सकता है किसी एक घंटे के टाइम पीरियड में उसमें कितनी टेलीफोन कॉल्स आई तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉसन होती है ठीक है ना तो अब जैसे ये इसकी पीडीएफ का फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे आपके पास है कि फर्स्ट इफ द प्राइसिस ऑफ न्यू कार्स इंक्रीजेस एंड एवरेज ऑफ फोर टाइम एवरीज थ्री इनमें जो टाइम पीरियड आपको दे दिया हो रही है वो फोर टाइम इंक्रीज हो रही है तो ये आपको लेमडा दे दिया एवरेज प्राइस हाइक ये फोर है जो पास डेटर्स हमने कैल्कुलेट करी है उसमें कोई प्राइस हाइक ना हो तो अब इसमें हम किस चीज में इंटरेस्टेड है कि गिवन टाइम पीरियड है

तो अब इसमें आप ये जानना चाहते हैं कि कोई प्राइस हाइक ना कोई प्राइस हाइक नाउ का मतलब क्या एक्स की वैल्यू क्या है जीरो तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो क्या होगी तो इस में हमने पुट कर दिया लेमडा फोर है और x की जगह हमने जीरो पुट कर दिया तो लेमडा की पावर x फोर की पावर जीरो फिर e तो की पावर माइनस लेमडा तो e की पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल एक्स जीरो जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल वन होता है तो इसे आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया पॉइंट जीरो वन एट थ्री आ गया फिर बी पार्ट है टू प्राइस हाइक्स यानी एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू टू हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर दो प्राइस आए थे तो जस्ट इस फॉर्मुले में आपने एक्स की जगह टू रख दिया लेमडा तो आपके पास गिवन है फोर तो लेमडा की पावर एक्स यानी फोर की पावर टू एक्स की जगह टू है ई की पावर माइनस लेमडा ई की पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल एक्स से टू फैक्टोरियल इसे आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई सी पार्ट क्या है फोर प्राइस तो अब इसमें एक्स की वैल्यू जो है आपके पास वो फोर होगी तो आप इस फॉर्मुले में पुट करके निकाल लेंगे अच्छा और आपके पास फाइव और मोर यानी आप जो नंबर ऑफ प्राइस हाइक्स है वो पांच हो या पांच से ज्यादा हो है आपके पास वो इज इक्वल टू ग्रेटर कॉम्प्लीमेंट रूल से निकालेंगे तो p ये इज बराबर है, किसके है? One minus that probability that x ठीक है ना तो x is इज लेस five में कौन कौन सी वैल्यू होंगी X 0 हो, x one हो x 2 हो, x 3 हो, x हो, हो, हो। तो ये जो आपके पास पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन का formula है इसमें जस्ट

कॉफ्स ऑफर जस्ट बिफोर देंडा की वैल्यू है लेमडा है एट तो अब इसमें वो क्या मालूम करना चाहती है uh, Miss, uh, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस से पहले वो कहती है कि अगर पांच से ज्यादा खांसियां उसको सुनाई दी तो फिर वो परफॉर्म नहीं करेगी वो परफॉर्म करने से इनकार कर देगी तो वो परफॉर्म करने से कब इनकार करेगी जो उसकी परफॉर्मेंस से पहले जो नंबर ऑफ है वो मोर देन कॉफ्टाइव हो यानी जो रैंडम वेरिएबल एक्स वो ग्रेटर देन हो अगर वो इज इक्वल टू फाइव है या लेस देन है तो फिर वो देफॉर्मेंस करेगी तो बेटा वट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी विल प्ले टू तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आज परफॉर्मेंस देगी तो साहब वो परफॉर्मेंस उसी वक्त देगी ना उससे कंडीशन क्या लगाएगी जो नंबर ऑफ कॉफ्स है यानी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है वो इक्वल टू फाइव या लेस देन हो

यानी ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ काफ्स जीरो हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है और इस बात की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ वन हो उसकी परफॉर्मेंस से पहले तो ये एक्स के कॉलम में ये जो वन है इसकी रो में जाए और ये जो लेमडा है आपके पास एवरेज नंबर एट इसके कॉलम में आए तो इनके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी है पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन है तो ये पी वन की वैल्यू है कि नंबर ऑफ काफ्स जो उसकी परफॉर्मेंस से पहले वन हो तो वो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन है टू के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी टेबल से निकाला क्योंकि फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं उसमें जैसे ऊपर करके दिखाया फॉर्मूले से निकालना चाहे तो फॉर्मूले से निकालेंगे तो निकाले उसमें ज्यादा टाइम खर्च होगा जैसे ये निकाली थी x0 1 2 3 4 तो ये जो आपके पास आपके पास पॉसर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है ये इस एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करतेमडा तो फिक्स होता है लेमडा तो चेंज नहीं होगा सिर्फ एक्स की वैल्यू जो आपके पास चेंज होगी तो अब इसमें जैसे और जो है हम क्वेश्चन देखते हैं आपके पास आ, ये आपके पास है प्रोडक्शन सुपरवाइजर फॉर कंपनीज चार्लोड वॉय प्लांट तो इस इीड अबाउट एन एल्डरली एम्प्लॉयज एबिलिटी टू कीप अप द मिनिमम वर्क पेस तो अब उसके बाद एक एम्प्लॉय है उसकी उम्र ज्यादा है तो जाहिर एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स मेंटेन करने होते हैं हर एम्प्लॉय को तो वो उसकी सेहत के बारे में या उसकी एबिलिटी के बारे में जो है वो परेशान है तो इन एडिशन टू नॉर्मल डेली ब्रेक्स दिस एम्प्लॉय स्टॉप फॉर शॉर्ट रेस्ट पीरियड्स एंड एवरेज ऑफ फोर पॉइंट पर आवर तो मतलब हर एम्प्लॉय को डेली ब्रेक्स तो मिलते हैं वो नॉर्मल डेली ब्रेक्स हैं लेकिन क्योंकि ये एल्डरली एम्प्लॉय है तो ये नॉर्मल डेली ब्रेक्स के अलावा भी जो है

तो अगर उसके जो रेस्टिंग पीरियड हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी है फॉर ट्वेल्व मिनट्स और मोर पर आवर वो अगर ग्रेटर देन है तो ही विल मूव द टू डिफरेंट जॉब तो फिर वो इस इंप्लॉय को एक दूसरी जॉब पर जो है मूव कर देगा तो अब वो पूछ रहा है कि शुड ही डू सो क्या उसे ऐसा करना चाहिए तो यहां पर हम जो रैंडम वेरिएबल है आपके पास एक्स वो क्या है नंबर ऑफ शॉर्ट रेस्ट पीरियड तो हम ये काउंट करना चाहते हैं कि किसी गिवन टाइम पीरियड में जो नंबर ऑफ शॉर्ट रेस्ट पीरियड है वो कितने हैं तो ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ये गिवन टाइम पीरियड में एक काउंट कर रहे हैं तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इसकी जो एवरेज नंबर ऑफ शॉर्ट रेस्ट पीरियड है जो उसने पास डेटा से मेजर किया है वो फोर पॉइंट वन ये लैमडा की वैल्यू है और इसमें जो रैंडम वेरिएबल है एक्स क्या है वो नंबर ऑफ शॉर्ट रेस्ट पीरियड है तो एक रेस्ट पीरियड में आपको बता रहे है, वो तीन मिनट का होता है और ट्वेल्व मिनट्स का मतलब है कि फोर रेस्ट पीरियड जो है वो लेने चाहिए या उससे ज्यादा िटी ऑफ द्लॉ रेस्टिंग फॉर ट्वेल्व मिनट्स और मोर तो हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है ये बारह मिनट या बारह मिनट से ज्यादा का शॉर्ट रेस्ट पीरियड ले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर ऑफ रेस्ट पीरियड है वो इक्वल टू अटर देन फोर हो क्यों फोर हो क्योंकि एक रेस्ट पीरियड जो है उसमें तीन मिनट होते हैं ना तो इसलिए ट्वेल्व मिनट्स के लिए फोर रेस्ट पीरियड होने चाहिए और अगर 12 मिनट से ज्यादा है तो रेस्ट पीरियड फोर से ज्यादा होने चाहिए तो जो नंबर ऑफ शॉर्ट रेस्ट पीरियड है वो एक्स है तो इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू है वो या तो फोर हो या ग्रेटर देन फोर हो तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करनी है और क्योंकि एक्स जो है वो पॉसन एंडम वेरिएबल है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको हम पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मले से निकालेंगे तो इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना ग्रेटर देन फोर इसको आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट रूल से निकालें क्योंकि ग्रेटर देन में तो इन्फिनट वैल्यूज है उनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें तो फाइव सिक्स सेवन अप टू इंफिनटी वैल्यूज है तो इसको आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट रूल से निकाले तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू फोर याद रखें फोर इसमें इंक्लूड है तो जब आप कॉम्प्लीमेंट रूल लेंगे ना उसमें फोर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वलिटी है तो यहां पे इक्वलिटी नहीं होगी हा, हाँ यहां पे अगर इक्वलिटी नहीं होती अगर एक्स ग्रेटर देन फोर होता तो ये बराबर होता माइनस दैट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इज लेस देन इक्वल टू है अगर यहां पे इक्वलिटी नहीं होती तो फिर कॉम्प्लीमेंट में इक्वलिटी शामिल होती समझ में तो यहाँ पे इक्वलिटी शामिल है तो कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं होगी

फिर एक में एक जीरो रखा है तो वो, वो वन होगा फिर नीचे वन फैक्टोरियल है, है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी तो अब क्वेश्चन क्या आता है शुड ही डू सो तो इसका जवाब किस तरह देंगे अगर ये प्रोबेबिलिटी लेस देन पॉइंट होती तो इसका मतलब क्या होता है अगर ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर इसका मतलब टाइम जो है वो ज्यादा रेस्ट ब्रेक ले रहा है तो इसका मतलब है कि ही शुड मूव द एम्प्लाय क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.5 तो इसका मतलब है कि फोर्ट शुड मूव द एम्प्लाय फोर्ट को एम्प्लाय को मूव कर देना चाहिए ठीक है ना अब इसी तरह ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक और क्वेश्चन है 533 तो बोला ऑन एवरेज 5 बर्ट्स ऑन एवरेज

तो अब हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी को तो इसमें प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन थ्री बर्ड्स बीइंग किल्ड यानी प्रोबेबिलिटी दैट एक्स जो वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है वो है एक्स क्या है नंबर ऑफ बर्ड्स किल्ड हिटिंग दी वाशिंगटन मॉन्यूमेंट तो इफ इट इज ग्रेटर देन थ्री तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट रूल से निकालते हैं तो ये ग्रेटर देन थ्री है कॉम्प्लीमेंट में इक्वालिटी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्स इज ग्रेटर देन का एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू थ्री

के टेबल में जाएंगे इसमें लेमडा आपको दिया हुआ तो उस टेबल में जैसा आपको एक पैरामीटर चाहिए तो, आ, जीरो, वन, टू, तो जीरो की आपके पास जीरो के अगेंस्ट ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई पॉइंट जीरो, 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 जीरो है, अगर एक्स वेरिएबल जीरो है और लेमडा फाइव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट जीरो एक्स वन है और लैमटॉप फाइव है तो इसकी कैलकुलेट कर ली तो अब ये प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर आ रही है ना तो उनकी कंडीशन क्या होती है अगर ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी तो फंड एलोकेट होंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज ग्रेटर देन पॉइंट सेवन सो विल बी एलोकेटेड तो होंगे वो एलोकेट होंगे आपके पास ठीक है ना तो समझ गए ये पोंसर डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह करते हो क्लियर है बात ये इसमें कोई प्रॉब्लम है जी यस yes, सर समझ आ गया तो अब जो है ये ये मैं फाइल ये लेक्चर जो मैं अपलोड कर दूंगा तो इसके अंदर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा देखें कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लें और फिर इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इसमें दिया वो खास तौर पे करें क्योंकि अब अगर आप नेक्स्ट कोर्स आप पढ़ते हो ना स्टेटिस्टिकल इंफ्लुस का ये जो यहाँ पे आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना ये उसकी बेस है ठीक है तो यहाँ पूछना तो नहीं है सर एक दफा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एक दफा बता दा देंगे थोड़ा सा शुरू में था। subjective, subjective में सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हम ये करते हैं कि अब आ, हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का भी यूज करते हैं जब आपके पास लॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद हो यानी उसका लॉजिकल मॉडल हो जिसको आप फिगर आउट कर सकते हो और जिससे आप प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो तो उसमें वो तो क्लासिकल मॉडल है उसमें एक्चुअली आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके लॉजिकल मॉडल ही से आप उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं अच्छा बाद जब ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि उसमें हमारे पास लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होती और जैसे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि, कि किसी हॉस्पिटल में किसी भी दिन कितने पेशेंट आएगी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो हमारे पास कोई उसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका जो फिर जो पास डेटा होता है ना उसको हम यूज करते हैं तो फिर वहां पे पहले वो एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करके डेटा जनरेट करना होता है तो वो तो रियलिटी फ्रीक्वेंसी अप्रोच है अब एक तीसरी अप्रोच है कि जिसमें ना तो आपके पास लॉजिकल स्ट्रक्चर है और ना ही आपके पास जो है वो पास डेटा है ना ही आपके पास लॉजिकल स्ट्रक्चर है और ना ही आपके पास पास डेटा है सिर्फ आपके पास आपकी नॉलेज है आपका एक्सपीरियंस है आपकी इनसाइट है तो ये जो सिचुएशन है ना ये रियल लाइफ में ये ज्यादा अपेयर होती है और बिजनेस सिचुएशन में भी ये ज्यादा अपेयर होता है आप, आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है उस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है अपनी नॉलेज को यूज करके तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि ना तो आपके पास कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना कोई लॉजिकल मॉडल है ना कोई फार्मूला है ना आपके पास कोई पास डेटा ना कोई हिस्ट्री है तो फिर वहां पे आप अपने एक्सपीरियंस को अपने एक्सपर्टीज को अपनी नॉलेज को अपने इनसाइट को यूज करके आप जो है प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं तो ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है और इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हो सकता है इस गिवन सिचुएशन में आपकी आपकी प्रोबेबिलिटीज कुछ और हो आपका ये जजमेंट कुछ और हो किसी और की जजमेंट कुछ और हो अब दो तीन बंदे जो है इंटरव्यू ले रहे हैं तो हर एक के सामने सेम कैंडिडेट्स है लेकिन हर एक उनको सिलेक्ट करने की हर एक की जो प्रोबेबिलिटीज है वो डिफरेंट होगी वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है वो उस शख्स की खुद नॉलेज पर उसकी एक्सपर्टीज पर उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है कोई मैच हो रहा है किसी गिवन सिचुएशन में अब किस बैट्समैन को भेजना चाहिए बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए कोई तो वो जो आपके पास उसका कोई फार्मूला नहीं है आपके पास जो कोच है ना वो उसका सब्जेक्टिव है ये उसका सब्जेक्टिव मैटर है जो कोच है वो अपने एक्सपीरियंस को सिचुएशन को देखते हुए अपने नॉलेज को इनसाइट को सिचुएशन को समझते हुए वो खुद प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेगा कि यार इसको भेजना मुनासिब है तो वहां पे वो जो उसकी डिसीजन हो गए जो जजमेंट हो गए ना जो एक इंडिविजुअल की इनसाइट पर डिपेंड उसकी एक्सपर्टीज पर या उसके एक्सपीरियंस पर, सर, पर यहां पे आपके पास ना लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस से कैलकुलेट करना होगा और ये अक्सर जो रियल लाइफ में ज्यादातर जो सिचुएशन अपीयर होती है ना या बिजनेस में जो सिचुएशन अपीयर होती है वो सब्जेक्टिव होती है आप किसी जगह पे आप मीटिंग करने के लिए गए ठीक है ना अब आप वहां पे मीटिंग कर रहे हैं तो अब वहां पे मीटिंग के दौरान ही फर्ज करें आपको कोई नॉलेज नई नॉलेज मिल जाती है और उसी को यूज करके आपने एक डिसीजन लेना है ठीक है ना पहले से आपको नॉलेज नहीं पता थी उसी वक्त आपको पता चली आप अपने उसी नॉलेज को उसी वक्त आपने जो है डिसीजन में कन्वर्ट करना है तो वहां पे आप अपनी सब्जेक्टिव एबिलिटीज को यूज करेंगे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को यूज करेंगे वहां पे आपके पास कोई फार्मूला कोई मॉडल नहीं है आपके पास कोई जो है पास डेटा नहीं है तो फिर वो जो सिचुएशन है वो फिर हम डील करते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी से तो ये क्वाइट कॉमन है सही है यहां तक बात क्लियर है ठीक है तो फिर यहाँ पे फिर मैं खत्म करता हूँ ओके खुदाफिस